कुंदन तुषार हार धवला या शुभ्रवस्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पतिर्देवै सदा वंदितम् श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशासजाड्यं पहा। ओम हरे ओम हरे ओम गिराय रथ जलवीति समा देखियत भी नन्हि बंधु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय की। जत सकल सुर बृंद विषम गर लगहिं पान किया तेहिं भज श्रीमति मंद को कृपालु शंकर सरिस। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवहि सना वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। बांधव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदयागार बसहिं राम सर चाप धरि। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पूंज जा सुवचन रवि करनी फिर दोबारा युद्ध करने के लिए मेघनाथ कुंभकर्ण के वध के बाद तो लक्ष्मण शक्ति लगी, इसके बाद मेघनाथ की लड़ाई बंद। रावण जा करके कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण जागा और अपना जो कुछ किया इसके बाद मारा गया। इसके बाद पुनः पिता के पास जा करके वह दुखी है, भाई का वध सुन करके देख करके तो अपने बल का वर्णन किया, उस बल का जो अपने इष्ट देव से कुछ उपाया है वरदान में, एक रथ पाया है उसको बलिरथ कहते हैं, और उस रथ से युद्ध करने के लिए मेघनाथ वहां गया और युद्ध में खूब युद्ध किया। युद्ध करके नाग के फांस से सब पूरी सेना भगवान राम लक्ष्मण समेत बांध दिया। अब इसके बाद जामंद के द्वारा कुछ चोट किए जाने के बाद वह पुनः जामंद के द्वारा ही लंका में फेंक दिया गया। इसके बाद मूर्छा थी उसको, वह वहां मूर्छित लंका में युद्ध के बीच से फेंका हुआ मेघनाद मूर्छित वहां कुछ समय तक पड़ा रहा। इसके बाद क्या होता है कि मेघनाद की मूर्छा जागी पितहिं बिलोकी लाजयति लागी। जो मूर्छा से तो सोचा कि तो हम कितना वर्णन करके कल गए थे कि कुछ दिखाऊंगा जो कभी बल नहीं बताया, उस बल का प्रयोग करूंगा। हुँ।
और पिता को देखा तो मूर्छित अपने को जान करके और बहुत उसको लज्जा आई लगी। तो तुरत गये सो गिरी कंदरा कर अजय मख अस मन परा। तुरंत चला गया किसी कंदरा में पर्वत के शांति के लिए कि शांति से वहां एक यज्ञ करूंगा। असो सुधिपाय विभीषण कहई सुनु प्रभु समाचार असय है। विभीषण को पता लग गया कि मेघनाथ जाकर के इस प्रकार से एक यज्ञ कर रहा है। तो मेघनाद मख करे अपावन खल मायावी देव सतावन। वह मायावी देवताओं को सताने वाला कष्ट देने वाला वह अपवित्र यज्ञ कर रहा है, ऐसा मेघनाथ बताया भगवान राम को। तो जो प्रभु सिद्ध हो इसो पाई, अगर उसका यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो नाथ बे गिरी पूजी न जाई, तब जल्दी से मारा नहीं जाएगा। ये नहीं कह रहा है कि मारा ही नहीं जाएगा, लेकिन जल्दी से तब मारा नहीं जाएगा। तो सुनि रघुपति अतिशय सुखमाना बोल लिए अंगद हनुमाना। तो अंगद हनुमान को भगवान राम बुलाए, ऐसा सुन करके विभीषण से। तो जो हाँ लक्ष्मण संग जाहु सब भाई अब करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। कहे कि लक्ष्मण को साथ में लेकर के अंगद हनुमान जाओ और उसके यज्ञ को विध्वंस करो, यज्ञ न करने पाए। कुछ लोग कहते हैं कि उसका यज्ञ विध्वंस करवा दिए क्यों, कोई यज्ञ कर रहा हो तो विध्वंस करा दे तो क्यों। यज्ञ वह देवताओं को दुख देने वाला है और अवतार हुआ है भगवान राम उसको मारना चाहते हैं, अब फिर वह युद्ध से भाग करके जा करके यज्ञ कर रहा है। अब यज्ञ करने का उसके लिए समय कहाँ है, अब तो युद्ध खुद ही एक यज्ञ है। एक यज्ञ को छोड़ करके अब दूसरे यज्ञ में कहाँ जा रहे हो, आओ इस यज्ञ में, क्योंकि समर एक यज्ञ है। संदेह होता है लोगों को कि यज्ञ क्यों विध्वंस करा रहे थे, उसका यज्ञ कर रहा था तो क्यों। अरे वो कोई साधारण यज्ञ कर रहा है, किसी अच्छे कार्य के लिए यज्ञ कर रहा है। एक बात तो यह है, दूसरी बात यह है, एक तो इस प्रकार से, दूसरे प्रकार से यह कि समर यज्ञ तो खुद ही है, युद्ध यही आकर के जो कुछ करना हो अपना शरीर हवन कर दो सब कुछ मिल जाएगा। समर यज्ञ में सब कुछ मिल जाता है, मुक्ति हो जाती है, युद्ध से मारे जाते हैं वीर गति को प्राप्त होते हैं उनकी गति। हाँ ये तो है। अच्छा इसीलिए सब जो लोग इसीलिए युद्ध बड़े ठार से लोग करते थे, अब नहीं होता है, अब कलयुग में क्यों युद्ध होगा, क्यों मारे जाएंगे, समर में मारे जाएंगे। अच्छा, युद्ध कैसा भी हो, धर्म या अधर्म किसी चीज के लिए लड़े, ये तो ऐसा नहीं होता चाहिए। धर्म और अधर्म तो वीर के लिए, वीर के लिए तो शायद नहीं होना चाहिए, नहीं है इसलिए कि अब वो अधर्म ऐसे वो अगर अधर्मी सत्य निशाचर यदि भगवान राम क्यों उनको सबको अच्छी गति दे रहे हैं, क्योंकि वो देखें वो किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा वो किसी को भी दे तो सकते हैं, उन्हीं का दिया हुआ उसमें भी है, नहीं जैसे वहां दे रहे हैं। हाँ नहीं उनको लिए भी है, उनके लिए भी है, वो बरी है इस चीज से, वो चाहे धर्म से लड़े या धर्म से, वो शायद इससे मुक्त होंगे, इसलिए होंगे ललन जी है बिचारी, और अभी शायद कह देना उचित होगा, इसलिए वो मुक्त होंगे। जैसे कि कर्ण, यहाँ पर विश्वास, यहाँ पर जो हम किसी रिश्ते की बात भी अगर संकल्प के द्वारा है और किसी रिश्ते की ही बात है, एक विश्वास है और अपने विश्वास के लिए हम जो है न्यौछावर हो गए, भाई को मार करके भगा करके बाली भी ऐसा ही किया, सब कुछ ले लिया, लारी समय धारण कर लिया और इसके बाद वह युद्ध में मारा गया। तो वो युद्ध के बीच में चर्चा का विषय है। हाँ चर्चा का विषय, युद्ध के बीच में, युद्ध का जब अंत होने लगता है, समय करने करते करते योद्धा अंत होता है उसके शरीर का, तो उसकी गति ही उस समय वैसी हो जाती है, गति हो जाती है, सब कुछ छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, बस उसको एक ही राइट, तो वो है मुक्ति का जब
प्राण नजदीक आ जाते हैं, परिजीर्ण हो गई मारते माने किसी प्रहार से, तो उस समय वह सब कुछ भूल जाता है, एकाग्र हो जाता है, ऐसा होता होगा, फिर इस पर चिंतन किया जाएगा। तो इस प्रकार से उसके यज्ञ को आदेश दिए कि जाकर के विध्वंस करिए। लक्ष्मण जी जाते हैं, हनुमान अंगद जी और कुछ विशेष बंदर, और तुम लक्ष्मण रण मारहु ही देखि सब सुर दुख यति मोहि। और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम उसको मारना, मार डालना, और क्योंकि देवता लोग बड़ा डर रहे हैं, अब उनको ऐसा देख करके हमें बड़ा दुख है, देवता डर रहे हैं। तो जामवंत कपिराज विभीषण सेन समेत रहो तीनों जन, कहे कि जामवन और सुग्रीव और विभीषण ये भी तीन आप लोग भी साथ में रहेंगे, दो तो अंगद हनुमान जी रहेंगे और जामवंत विभीषण और सुग्रीव भी रहेंगे, अंगद और हनुमान ये साथ में रहेंगे, और लक्ष्मण जाओ और उसको मारना ये विध्वंस करके। तो जब रघुवीर दीन अनुशासन कटि निखंग करबान सरासन, तो ऐसा आदेश पाए तो धनुष मार उठाए लक्ष्मण जी और अपना वो तरकस जिसमें लक्ष्मण है बाण, और प्रभु प्रताप पूर धरि रणधीरा बोले घनैव गिरा गंभीरा। भगवान के प्रताप को हृदय में धारण कर करके और बादल की तरह आवाज जैसे मेघनाद गरजता है, तो आज लक्ष्मण जी घनैव गिरा गंभीरा आज बादल की तरह गंभीर आवाज करते हैं। अच्छा, मेघनाद हो तो मैं भी मेघ की तरह आवाज कर रहा हूँ, जहाँ कहीं हो सुन लो मैं मेघ की तरह आवाज कर रहा हूँ, तुम मेघ की तरह आवाज करते इसलिए तुम्हारा नाम मेघनाद है, तो देखो मेघनाद की आवाज मैं भी कर रहा हूँ। और बोले घनैव गिरा गंभीरा बादल की तरह, ऐसा इसमें लिखा तो नहीं है जी, लेकिन ये एक विशेष अनुभव की बात है कि जब माया के द्वारा ये मेघनाद अपना युद्ध करने लगा जी, तब वहाँ पर लक्ष्मण जी का एक विशेष अनुग्रह होता है राम जी से ब्रह्मा से छोड़ने की। तो बोलते हैं कि जो माया से कपट से लड़ रहा हो उसके ऊपर छोड़ने की नीति नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले प्रहार नहीं किया। लेकिन यह चीज राम चेतमानस ब्रह्मास्त्र वहाँ ब्रह्मास्त्र उस समय त्रेता के समय ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा अस्त्र नहीं था, नहीं जो मेघनाद ने जो मूर्छा के लिए ब्रह्मास्त्र का वो प्रयोग किया है, लेकिन वो उन्होंने पूछा है पहले उनको प्रयोग, वह तो अनुचित पहले से ही वो लोग कर रहे हैं अनुचित ढंग से युद्ध रहा। लेकिन इसमें नहीं लिखे हैं कि जब मेघनाथ युद्ध कर रहा था तो उस समय इन्होंने नहीं नहीं इसकी ब्रह्मास्त्र के नहीं वो इसका चित्रण इसमें नहीं है, लेकिन ऐसा है वो कुछ छूट गया है, ऐसा होगा तुलसीदास जी के, ऐसे होगा जी। चलो बस यही था। तो इस प्रकार से अपना धनुष बाण लेकर के और तरकस लेकर के तैयार हो गए लक्ष्मण जी, और प्रभु प्रताप और धरि रणधीरा बोले घनैव गिरा गंभीरा, गंभीर आवाज किए बादल की तरह, और जो ते हैं आज बधे बिनु आवो तौ रघुपति सेवक न कहावो। तो आप जानते हैं बोले कि आज अगर ना बधत जब सतसंग कर करई सहाई तदति हतो रघुवीर दुहाई, अगर सौ शंकर भी सहायता करेंगे उसकी तब भी मारूंगा उसको। कई शंकर तो बंदी राम पद कमल युग चले तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुभट नुमंत। और चरण की वंदना करके भगवान राम के और चल दिए तुरंत कौन अनंत, उनको अनंत भी कहा जाता है, उनका भी अंत नहीं है। ऐसे लक्ष्मण जी चल दिए और अंगद नील, अभी नील आ गए, अंगद तो थे ही, नील और मयंद नल ये तीन और आए और बकिया पुराने उस समय।
तो पांच थे तीन और जो प्रमुख जितने थे सब लग गए क्योंकि मैं आपको देख रहे हैं सामना की मेरा कैसा युद्ध कर रहा है। तो वहाँ पर पूरा पूरा देख ही तो रहा है सुग्रीव अंगद हनुमान यही तो मुख्य प्रमुख मंदिर जितने थे हो गए। और जाए कपिन देखा तो ऐसा आहुति दे तरुधिर यरु ऐसा वह क्या कर रहा है यज्ञ में ऐसे खून का आहुति दे रहा है। और तब की सना कृत यज्ञ विध्वंसा जब न उठे तब करे प्रशंसा। हाँ जब न उठे तब करे प्रशंसा क्या व्यंगात्मक व्यंगात्मक प्रशंसा उसकी प्रशंसा क्या कर रहे हैं कि बहुत अच्छा मुनि है कैसा यज्ञ कर रहा है। अच्छा तो तदपि न उठे धरे कत जाई लातन हति हति चले पराई। तब भी न उठे तो उसका बाल पकड़ ले और लात लात से मारे और मार करके भागे बंदर लोग। चल त्रिशूल धावा कति भागे आवा राम अनुज के आगे। तब वह त्रिशूल अपना लिया त्रिशूल रखा रहा उसके पास में त्रिशूल उठाता है और लेकर के दौड़ा जब तो सब भगे और आ गए लक्ष्मण जी के पास। आवत परम क्रोध करी मारा गर्ज घोर रव बार ही बारा। और क्रोध के मारे वो घोर आवाज करने लगा गर्जना करने लगा। और कोपी मरुत सुत अंगद धाये हनि त्रिशूल उर धरणी गिराए। तो हनुमान जी और अंगद दौड़ करके गए और उसको मारे और मार करके त्रिशूल उसका छोड़ करके धरती पर उसको गिराए। और प्रभु पर छाड़े त्रिशूल प्रचंडा सरहति कृत अनंत दुई खंडा। तब हमारा राम जी के ऊपर त्रिशूल फेंका और उसको राम काट दिए उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए कि न रहेगा ना तुम मारो दो ही खंड में कर दिए। अब उठ बहो रे मारो कई और राजा हते को कितने घाव न बाजा। अब उठ करके हनुमान जी और अंगद मारते हैं लेकिन उसको चोट नहीं लग रही है। अब फिरे वीर रिपु मरे न मारा पुनि धावा करी घोर शिकारा। अभी मारने से नहीं मरा ऐसा जान करके अंगद हनुमान लौट जाते हैं और वह दौड़ा घोर आवाज करके फिर बड़े लोग लौट गए कोई नहीं लग रहा है तो सेना की तरह दौड़ा। तो आवत देखी क्रोध जनु काला लक्ष्मण छाणे बाण कराला। तो ऐसा काल के समान आ रहा है तो लक्ष्मण जी अपना बाण शुरू कर दिए हैं। अवावत देखी वज्र समाना तुरंत भय उखल अंतर ध्यान। वैसा मार दे करके तुरंत अंतर ध्यान हो गया। देखिए कैसा युद्ध कर रहा है कहने के लिए भगवान है लक्ष्मण जी हैं और क्या महिमा के आगे वो निशाचर है लेकिन फिर भी देखिए कि निशाचर कैसा युद्ध कर रहा है। इतना तो किया था कम से कम इतना तो वह किया था इसके बाद ऊपर का बल लगा करके मारा गया इससे ज्यादा बल लगा करके और विद्या लगा करके उसका वध किया गया है लेकिन उसकी विद्या देखी है और उसका लड़ना देखी है। अंतर ध्यान हो गया। अब विविध भेष धरि करे लड़ाई नाना प्रकार के भेष एक मेहनत के रूप में नहीं यानी अनेक दुखरे दुखरे रूप में प्रकट प्रकट के युद्ध करने लगा। पहचान तो रहे सब मेहनत लेकिन दुखरे दुखरे रूप में आ गया अनेक भेद भर करके। कम हूँ का प्रगट कम हूँ दूरी जाई कभी प्रगट हो जा रहा है कभी छिप जा रहा है। तो देखी अजय रिपु डरे डर पे की सा परम क्रोध तब भय यही सा। ऐसा ए अजय है ए अब कैसे मारा जाएगा जब अनेक रूप धारण करके युद्ध कर रहा है और जब मारने की पारी आ रही है हम लोग मारना चाहते हैं तो ये गायब हो जा रहा है। तो यह तो अजय है जीता नहीं जा सकता ऐसा जान करके जब डरने लगे बंदर सब तो लक्ष्मण जी क्रोध किए। और लक्ष्मण मन अस मंत्र दिखावा यही पापी मैं बहुत खिलावा। लक्ष्मण जी सोचे कि इसको खूब हम युद्ध करने का अवसर दिए खूब अपना खिलवाड़ किया अब ऐसा अवसर हम इसको
नहीं देंगे कि ये भाग जाएगा और ऐसे कर देगा वैसे कर देगा। अब तो मेरी को सलाधी सतप सर संधान की नयतिदापा, तो बस का संधान करके और लक्ष्य निश्चित करके छोड़ दिए। छाड़ा मारता सूर लागा मरती बार कपट सब त्यागा। जब मारे तो अब मरने वाला मारा है, और जब मरने लगा तो कपट है छोड़ दिए। क्यों नहीं बता, यही होता है, यही हमने बताया है कि तब सीधे हो जाते हैं। जब मरने की पारी आ जाती है तो जो कुछ छल छिद्र किए और जो कुछ दिमाग में भाव रहा वो समाप्त हो जाता है। जिसके हाथ से जो मारा जाता है उसकी दशा यही हो जाती है। जो उत्पत्ति है जैसे जो प्रश्न आया वो सब स्थिर हो जाता है। जो यहाँ से प्रश्न आया और जो आपको पता था आपने उसको बताया, देखिए वही है। तो यहाँ पर एक बहुत विशेष बात बता रहा हूँ, विशेष जानने का ये परम काम होता है ना, सही प्रश्न पूछने वाला विद्वान बना जाता है, हम उसी को वैज्ञानिक मान। वही तो है जो सही प्रश्न गलत। तो राम अनुज कहि राम कहि, लक्ष्मण कह करके और राम कहा, लक्ष्मण भी कहा और राम भी कहा। नस कहि छाड़ सी प्राण, जब ऐसा कह करके शरीर छोड़ा तो धान्य सकृजित मातु तव। कौन कहते हैं कि कह अंगद हनुमान, धन्य है तेरी माता, वे इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत मेघनाद तुम्हारी माता धन्य है। माँ को लिखे गया ना कि क्यों इतना बड़ा युद्ध किया, अब इसके बाद जब मारा गया तो लक्ष्मण और राम का नाम ले रहा है राम का नाम अंतिम बार लेने से तुम्हारी माता धन्य है। समझ रहे हैं, आप अच्छा काम करेंगे तभी आपके पिता को लोग, नहीं तो बेटा अगर चाहे तो अपना, अगर कोई गलत काम करता है ना तो अपने साथ साथ अपने पिता का भी नाम देख के देख रहे हैं ना। यह उसकी मजबूरी है, भगवान राम से युद्ध कर रहा है, यह मेहनत की मजबूरी है। क्या है कि वह पिता के वचनों का पालन करने वाला एक अच्छा पुत्र था, और अधर्म की बात भी है और फिर भी पिता के पक्ष से वह युद्ध कर रहा है और करने उसको मालूम है ये है कौन, ये बात नहीं है, वो भी समझ रहा है, लेकिन पिता की वचनों का पालन करने के लगाए वो युद्ध कर रहा है। एक पिता के वचन का पालन करने के लिए अच्छा है ठीक है दशरथ जी है और भगवान राम जंगल गए हैं, एक पिता उसका भी है उसके बुरा ही है, लेकिन उसके वचन का पालन किया वह पिता भक्त है, एक दिन भी नहीं कहा कि पिताजी आप गलत काम कर रहे हैं। अच्छा। यह होता है कर्म जो देखने में आता है कि ये भी तो गलत कर रहे हैं, लेकिन वह गलत है? नहीं होता है, वो पिता भक्ति माने वो पूर्ण है अपने आप में, माने उसका जो रिश्ते का नाम है वो कभी भी नहीं कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, जैसे मर्यादा की बात होती है। और इसलिए नहीं तो अंतिम में राम क्यों कहता, राम क्यों आता, वो अपने अपने जो नियम पे धर्म पर डटा रहा, धर्म पे डटा रहा। अयोध्य करके शरीर छोड़ा तो लक्ष्मण का नाम लिया और राम का नाम लिया, और हनुमान जी कहते हैं कि धन्य है तेरी माता कि बिनु प्रयास हनुमान उठाए लंका द्वार राखिते ही आए, और किसी को नहीं ले गए लेकिन उसको उठा के लेके गए, हनुमान जी उठा करके ले गए और लंका के दरवाजे पर उसको रख कर दिया। मरने के बाद उसका इतना सम्मान किए उसके सब, इसमें इतने लिखा है, इसके आगे देखिए शायद एक चीज और लिखा हो, एक चीज और लिखा हो वो भी सत्य है मैं जानता हूँ, बताऊंगा इसमें। अता सुमरन सुनि सुर गंधर्वा चढ़ विमान आए नभ सर्वा, और सुर नर गंधर्व जितने थे सब विमान पर बैठ करके अब आए आकाश में, क्योंकि इन सबको ये बड़ा कष्ट दे रहा था। बरस सुमन दुम दुमी बजा वही श्री रघुवीर विपुल यस गा वही, जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। देवताओं का हित किए ऐसा कह करके और स्तुति करी सुर सकल सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु पहाए। यहाँ पर एक ही चीज और डालना है, जानते हैं जब मेघनाथ को हनुमान जी अंगद लेके जा रहे थे तो उस समय जो है कि ये जो वस्त्र है ना
उनको ऐसे जो है राम जी उसके ऊपर डाल के ले अच्छा यही तो बताओ क्या लक्ष्मण जी आ गए और हनुमान जी ले गए सैनाथ को लंका के दरवाजे पर रख दिए। फिर क्या होता है कि प्रभु ही बिलो किसी सत बनाए उठ प्रभु हर्ष अनुज लाए और इसको उसका लक्ष्मण जी को गले लगाए। राम मुख प्रसन्नता देख पूछी जब रिपुवध कहा विभीषण हूँ तब। लक्ष्मण का मुख प्रसन्न देखे तो विभीषण ने बताया कि जगन्नाथ मारा गया। कृपा दृष्टि कर अनुज हेरा विगत भय श्रम भयो श्रम जब कर फेरा। हाथ फेरे तो दुख दूर हुआ सही श्रम दूर हुआ। बाण वेद तनु देखिए कैसे कनक त्रोण सर पूरित जैसे। और लक्ष्मण के बाण बिल्कुल वेद दिया था शरीर में और उस प्रकार से जैसे मानो तरकस से बाण भरा हुआ हो तरकस की तरह भरा है एकदम बिल्कुल हर जगह लगा दिया है। तो धारे उसी यानी प्रभु आगे बानर भालू बिलो कन लागे। तो उसका शीश कटा था वही शीश जो है भगवान राम के आगे रखे के यह मेघनाद है। तो प्रभु कह तो की बिलो के उसी सारा खन कहे को सलाधीसा। भगवान कहे कि शीश को रखिए। प्रभु आयसो सुन की सपति राखे जतन कराई। तो सुग्रीव और कटक सहित रघुवंश मणि शोभित अति दो भाई। पूरी सेना के साथ वहां सुभायमान भगवान राम है। कृपा दृष्टि कपि भालु निहारे भे श्रम रहित राम बैठारे। सुनो उमा यही विधि कुमारे सुर नर मुनि सब भये सुखारे। शंकर जी कहते हैं पार्वती इस प्रकार से मेघनाथ को मारे लक्ष्मण जी और सब देवता लोग और नर और मुनि सब प्रसन्न हुए खुशी हुए। अब सो सुनो भुजाते ही केरी। अब सुनो पार्वती उसके भुजा का यहाँ शीश है उसका हाथ का है। अब खग जिम गई लंक सर प्रेरी। वो पक्षी की तरह उड़ करके गई लंका में उसका हाथ गया खग वो पक्षी की तरह उड़ करके चला गया ऐसा समझ पक्षी खग लिख दिए समझ लीजिए कि उड़ करके गया। मेघना दयांगन महपरी बाण विद सोड़ित सो भरी। और वह बाणों से विधि हुई विधा हुआ उसका हाथ और खून से भरा वो हाथ आंगन में गिरा। और राजत तहां सुलोचना वैसी रति ते रुचिर रूप गुण जैसी। वह सुलोचना उसकी पत्नी है वह रति के समान रूप और गुण में है। नाग सुता दशकंठ पतो वह नाग कन्या है और दूसरे वह रावण की पतोहू है। और बासव रिपु ती अच्छा विमय जो हूँ इसलिए वह इंद्र की जो बात रिपुती है वह इंद्र का शत्रु मेघनाथ की पत्नी है जो जिसकी ऐसी शोभा है क्योंकि वह इंद्र के शत्रु मेघनाथ की पत्नी है और नाग कन्या है और रावण की पतोहू है। तो हे मसिंहासन सोहति बाला बैठी का है सोने के सिंहासन पर बैठी है। और से वही विद्याधरित काला विद्याधर गंधर्व ऐसा समझ लिया जाए विद्याधर साथ गंधर्व को ही कहते हैं वो उसकी सेवा करते हैं और नाग कन्या है उसकी सेवा ये लोग करते हैं।
और पूजहि विविध विनय करिताहि सुख प्रमोद को सकहि सराहि। विविध प्रकार से उसकी पूजा करते हैं और उसके सुख और आनंद को कौन कह सकता है, ऐसी सुलोचना है। तो तहपति भुजा परिह भाति मनहु सकल सुख तरु की कांति। वहां उस आंगन में मेघनाथ की भुजा ऐसी पड़ी है मानो सब सुख के वृक्ष की कांति हो। सुख के वृक्ष हैं और उसकी वह कांति है, ऐसी वो भुजा पड़ी है दंड की तरह। तत्ति दिशिदासी देखी कहां असोणित्र स्रव भुज दंड भय समर आश्चर्यमय सुनौ खंड खंड। तो दासी की नजर पड़ी भुजा की तरफ आंगन में, तो दासी कहती है उस हाथ को देख करके कि युद्ध में आश्चर्य हो गया और जिसका वध नहीं होने वाला था, जो कभी खंड न होता वो आज खंड हो गया। सुना हुआ खंडन खंड। और सुनी के सकल सखी मुख बैना तज सिंहासन उठी सुनैना। तो सखियों की बात सुनकर के, दासी की बात सुनकर के, हाँ दासी की बात सुनकर के समस्त उसकी जो सखी हैं उस साथ में वो लोग उठे और सिंहासन छोड़ करके सुनैना भी उठी। तो नारी स्वभाव धुक धुकी धर की सूचक अशुभिन भुज फर की। नारी के स्वभाव डरपोक और धुक धुकी क्या है, वही जो सांस जल्दी जल्दी करने लगती है भयवश, उसको आप क्या कहते हैं, हाँ हार्ट बीट बढ़ गया। हाँ और अशुभ जो दहिना हाथ है वो फरकने लगा। तो हो तो महारन रावन राम ही वीर धुरी मोर पी राम ही। उसके दिमाग में आया कि राम और रावण से युद्ध हो रहा है और उसमें हमारे पति बहुत बड़े वीर हैं। और सकल सुरा असुर सकहिन जूझी, सब देवता और असुर मिलकर के युद्ध करें तो मेघना से युद्ध नहीं कर सकते हैं। सकल सुरा असुर सकहिन जूझी अब विधि की मति पर नहीं बूझी। फिर भी ब्रह्मा की मति जानी नहीं जाती, कुछ भी हो सकता है। जब जब ऐसा है कि सब देवता और असुर मिलकर के युद्ध करें तो हमारे पति को पराजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा की जो मति है बुद्धि है वह समझी नहीं जाती क्या करा सकते हैं। तो इतना कहती गई चलिया पू पति भूजल खिकर कोटी बिलापू। तो बिलाप करने लगी पति के अपने हाथ देख करके। अब कंकड़ मणिमय भूषण सोई महाबिटप समानन होई। और कंकण तथा मणियों से जटित मेरे पति की ही भुजा है दूसरे की नहीं, क्योंकि जो पहनावा है हाथ में वो पहनावा पहचान में, जैसे घड़ी हाथ में पहचान आ जाए तो अगर घड़ी पति की है अंगूठी पति की है कुछ आभूषण ऐसे अगर हाथ में लगे हैं जो नित्य वह देखती है तो उससे पहचान जाती है कि नहीं ये सब है। तो देखत मन ही नयावत ते ही ता सुप्रभाव सुनत पहले ही। और देख तो रही है लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है यह मेरे पति का ही हाथ है, क्योंकि उसके प्रभाव को वह पहले से ही जानती है। मेघनाथ के प्रभाव को, मेघनाथ के प्रभाव को जानती है कि मेघनाथ कौन है, ये कौन मार सकता है इनको। तो नींद नारी भोजन परिहरई, यह प्रभाव यही है कि नींद नारी और भोजन बारह बरस तासु कर मरई। बारह बरिस तक जो छोड़ेगा नींद नारी और भोजन जो संपर्क नहीं होगा तो उसके हाथ से मारा जाएगा। इसलिए उसको आश्चर्य हो रहा है कौन धरती पर जन्मा जो बारह वर्ष के लिए नींद भी छोड़ दिया भोजन भी छोड़ दिया और नारी का भी त्याग किया। तीनों का त्याग कठिन है, इसमें से एक भी बहुत कठिन है।
हाँ, एक तो आसान है और अब तीनों साथ में दो आसान हो जाए, लेकिन तीनों आसान लगातार नारी भोजन तीनों तीनों का त्याग हो जाए, भारी हो जाएगा है? बड़ा हो जाएगा, त्याग बहुत बड़ा है। ये त्याग क्या है, जब पैदा नहीं हुए तो सो रहे थे क्या? तो कर विचार मन टेक दे मैं पतिव्रता नारी। और दूसरा है विचार किया कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, पतिव्रता नारी का पति इस प्रकार से नहीं मारा जाता है, तो मैं पतिव्रता नारी हूँ, इसके बाद इतना और है, वो तीनों के बाद इतना बल और है। अभोज लिखि में चहो दुचित सुनि कर दीन पसारी। तो वह हाथ से कह रही है, उसी हाथ से कि हे प्रभु, ये जो चित्त में हमारे दो बातें उपज रही हैं आश्चर्य की शंका है, इसको लिख करके मिटा दीजिए। अच्छा, इसको लिख करके ऐसा सुन करके वो हाथ शायद बंद रहा होगा, वो हाथ फैला दिया अंगुली को। अच्छा, क्या करना है, बस वो क्या लिख दिया वही बता करके फिर इसको इसी कर हाँ। तो इस प्रकार से नहीं पढ़ देता हाँ। इस प्रकार से वो हाथ फैला दिया, जो हाथ फैला देता है किसलिए हाथ फैलाया, कि लख रुखता सुसखी उठिधाई तुरत ही खोज करी ले आई। कैसे लिखेगा, लिखने के लिए वो दूधी या खरी कहते हैं उसको, खरी माने वही जो आप लोग चाक कहते हैं। और दिन हाथ पर मड़ी अंगना आई लिखित लखत लखन की रति रुचिराई। और वह लिख रहा था हाथ लक्ष्मण की कीर्ति को और वह देख रही है, तो नींद नारी भोजन सत कोटि। हाथ से लिखा कि ये तुमको यही ना दूषित है तुम्हारा, कि ये 12 बरिस में ऐसा जो त्याग करेगा और उसके हाथ से मारा जाऊंगा, तो 12 बरिस नहीं, नींद नारी भोजन सत कोटि तजतता सुमहिमा यति छोटी। अगर वो इतना दिन तक अगर नींद नारी और भोजन छोड़ दें, कितना दिन, 14 साल, सत कोटि, सत कोटि, अच्छा 100 करोड़ वर्ष अगर नींद नारी और भोजन का, 12 वर्ष नहीं, नींद नारी यहाँ वर्ष नहीं है, लेकिन वहाँ ऊपर वर्ष है, ऊपर वर्ष है कि नींद नारी नींद नारी भोजन परिहरई 12 वर्ष ता सुकर मरई। दो सीधे वहाँ लिख देता है कि नींद नारी भोजन सत कोटि, बरस की बात नहीं है, ये 12 वर्ष यहाँ से ले लेना पड़ेगा। जो तू 12 वर्ष के लिए कह रही हो वह 100 करोड़ वर्ष भी अगर छोड़ दें तो उनकी महिमा छोटी ही कही जाएगी, बड़ी नहीं और छोड़ सकते हैं। हाँ, उनके लिए कुछ, लक्ष्मण जी के लिए वो लिखा हाथ। अच्छा, वो हमेशा के लिए सत्य होता है ये मान ले। हाँ, वो हमेशा के लिए सत्य होता है, उनको किसी चीज का। तो अक्षय अव्यय अजय विनाशी अतुल अमित घट घट के वासी। हाथ इतना लिखा कि इतना समय तक नींद नारी भोजन का त्याग कर दें तब भी महिमा कम है, अब वे नाश न होने वाले अखंड और सबके अंतर में वास करने वाले हैं जिन्होंने हमारा वध किया। तो प्रगट रही पाल रही पुनि जगह रही त्रिगुण रूप त्रय मूर्ति धरही। जो उत्पत्ति पालन और संहार करने के लिए त्रिगुण रूप धारण करते हैं, तीन गुण जो तीनों है इस तीन गुण के अंदर 17 गुण के अंदर आ जाते हैं, और जो काल के भी काल हैं और जिनका सूर्य सरस्वती और शंकर भी वर्णन नहीं करते हैं, जो काल हूँ कर काल भयंकर बणत सुयस शारदा शंकर। तो धरहि विविध तनु सेवक हेतु जासु नाम भव सागर सेतु। हाथ लिख रहा है सब बात,
मुनि मन पुंडरीक जाके घर बचन दिव्य विवेक विकार बुद्धिवर। और ज्ञान ही जिनका विवेक और विचार, ज्ञान ही जिनका वचन है और विचार ही श्रेष्ठ बुद्धि है। तो कोटि कल्प वर्णत निगम अगम जा सुगुण गात, वेद करोड़ों कल्प तक जिनके अगम गुण की गाथा का वर्णन करते हैं फिर भी गम नहीं है, पूरा नहीं कर पाते हैं। और तम शरीर जड़ जीव बिनु किमि वर्ण लिखी हाथ, क्या पूछना कि यह शरीर, यह तमोगुणी शरीर, तम शरीर जड़ जीव बिनु, और इसमें वो जो जीव भी था वो जड़ था और वो भी समय हाथ में नहीं है, तो किमि वर्ण लिखे हाथ, ऐसा हाथ कैसे लिख सकता है। मम सिर गए गुराई तो प्रती लगी हु जा पठाई, मेरा तो सिर गया जहाँ भवा राम है, और तुम्हारे विश्वास के लिए हाथ यहाँ भेजे हैं कि तुमको विश्वास हो कि नहीं तुम्हारा पति मारा गया। यही विधि लिखी सकल भुज बाता परी भूमि तब अति बिलकाता, बिकलाता। तो इस प्रकार से वो भुजा तो लिख दिया सब बात, और इसके बाद भुजा फिर धरती पर स्थिर हो गया, लिख करके फिर स्थिर हो गया, तो वह विलाप करने लगी। जब लिख दिया तब क्या तो विश्वास हो गया, अब उसको भ्रम नहीं है कि नहीं आश्चर्य की बात है कैसे मारे जाएंगे, वो तो सारी बात हाथ लिख दिया, हाथ स्थिर होता है वो विलाप करती है यही विधि। हाँ तो माँ अति सकल भुज लिखित यथारथ लक्ष्मण राम जानी परमारथ, तो भुजा की लिखी हुई पढ़ करके राम और लक्ष्मण परमार्थ को जान करके के परमार्थ हैं ऐसा जान करके, तो वो हाथ लिख दिया था कि ऐसे हैं राम और लक्ष्मण जिनके हाथ से मैं मारा गया हूँ, तो परमार्थ हैं, परमार्थ ये ही हैं राम और लक्ष्मण ही, ऐसा जान करके। और नारी स्वभाव तदपि बहुभांति, फिर भी नारी के स्वभाव बस बहुत प्रकार से, इतना जानने के बाद भी बहुत प्रकार से। अब बिलपति मिली सखियन की पाती, सखियों की पाती का मतलब सखियों के साथ विलाप कर रही है। गुण गान सा हसील नाह के कहिरो वही बल विजय माह के, वही हाथ पकड़ करके और उसके भुजा के बल का कुछ का सुन करके वर्णन करके और रो रही है। जय भुज बल सुरनाथ बिगोवा तो भुजया जो समर महिसोवा, कह रही है कि जो भुजा सूर्यनाथ इंद्र को भी परास्त किया और वह भुजा आज आज सोया है, तो मरिगण भूषण बसन विचारती महिलोटति करतल सिर मारती, वही मगन शोक सरी तनु सुधि नाही दारुण विपत्ति कहो के ही पाही, शोक रूपी नदी में डूब रही है यह दारुण विपत्ति है सुलोचना की, अब किस प्रकार से कही जाए। क्षणिक प्रबोध सखी को करई और बहुरी शोक दावा न लजरई, कोई सखी कुछ सांत्वना दे रही है कुछ प्रबोध हो रहा है और फिर वही शोक अग्नि में जलने लगती है। तो क्षण क्षण उठती परति धरणी तल पुनिरो वही सराही पति कर बल, तीन मह सखी सयानी कही समुझाई मैन शोक छाड़ी पति देवता सुगति करी पति एन, एक सखी है वो कही कि ए अपने पति की सुंदर गति करो, पति की सुंदर गति करो, ऐसा सुनती है तो उसका शोक थोड़ा शांत होगा। सुनी कह सहस सुनी कह सहसा नन तनु जाता और सत्य कहत तुम सखी सुवाता, वह शेषनाग की ही पुत्री है, ना कन्या है तो शेषनाग की ही पुत्री है। अच्छा वो साधारण नहीं है,
शेष अवतार है लक्ष्मण जी का और शेष की ही हुआ पुत्री है, पुत्री है। ये तो बड़ा अलग है स्थिति। तभी तो युद्ध हो रहा है, कुछ है तभी तो युद्ध हुआ। कुछ तो है तभी तो युद्ध हुआ, कुछ तो है ना। अब रुकिए, हम यहाँ पर कुछ देर तक थोड़ा मंगलवारी भेजेगी, मंगलवारी भेजेगी तो जाएगी वहाँ और जा करके दे आएगी और सती हो जाएगी। अच्छा, फिर सती हो जाएगी, सती हो जाएगी। और वहाँ जब जाएगी तो जो हाथ कैसे पता लगा सब पूछेंगे, भगवान राम का कौतुक है, पूछेंगे कि कैसे मालूम हुआ तुमको, तो बताएंगे कि हाथ जा करके लिखा। तो ये आश्चर्य की बात सुनकर के सबको आश्चर्य होगा कि हाथ लिखा, अगर हाथ लिखा हो ये सही कह रही है तो इसका जो गर्दन कटा है हंसे। अच्छा, इस प्रकार का लोग देखना चाहते हैं कि ऐसा था, हाथ कटने के बाद जाकर के वहाँ लिखा है ऐसा है मेघनाथ का हाथ, तो मुंह भी हंसना चाहिए अगर ऐसा हाथ किया है तो। तो यह जो है तिरसे कहत सुलोचना नौ वचन ममतात, नौ वचन ममतात ना ही तो होगा जी। दोहा में देखिए सेम से कहाँ है, यही वो कही से तो छड़क विलंब की नहीं बोला, मृतक बदन मुदत नहीं डोला, आप निपुण कहते सो ना कुमारी। तो तब वह मृतक मुंह उस क्षण नहीं खुला और मुर्दा ही बना रहा, तो फिर वह कही सुमित भयूर महाकरिमारी, मैंने युद्ध करके थक गए हैं तो लग हाँ लखे लगे लखन सर छोभ बढ़ावत, प्रभु समीप कत मोह लजावत। अभी लक्ष्मण के मार लगने से संताप बढ़ गए हैं आपके शरीर के, तो बढ़ गया है तो जो मन वचन कर्म यह देही, पति देवता आरने पति देवता नयान स्नेही। तो प्रभु सभा बीच सिर बोले और रहा छाड़ जग सुयस अमोले, जो जानत तव यह गति साई बोली पठावत परिसाई। तो यही हंसा है कि जब ऐसी जानती आपकी ये गति कि मारे जाएंगे तो पिता को सहायता के लिए बुलवा लेती। पिता को बुलवा लेती तो पिताजी तो मार दिए ना। यही तो सुनती है बचन हंसे उतर सीता चौ के उठे सब हाल। अच्छा, सब वो हंसा क्या बुलाओगी जो मार रहा है वही तो मारा है। तो अच्छा, इसके आगे सुलुष्टा का हो गया, उसके बाद क्या होगा? नारंतक भी हो गए हैं, हम लगाए हैं निशान। अब ये ले आएगी, हो गया हंसना भी हो गया, हंसा उसका भी। वहां से फिर इसके बीच में क्या है? ये सब जो है कथा है, अहिरावण एक है वो ऐसा किया है, लेकिन वो रामायण में उसको नहीं लेते हैं। नारंतक उसका पुत्र है, दूसरे जगह रहता है। नहीं, बात रावण की, जहाँ से रामचंद्र जी का चरित्र है वहाँ से आगे राम तो वो, इनके वो, साथ भी लड़े हैं वो किए हैं, वो सब का जरूरत नहीं है। हाँ, इसीलिए उसका जरूरत नहीं है, इसीलिए लड़े हैं मारे हैं नहीं, रामायण में नहीं आती है जी, इसलिए इसको लगा देते हैं नारंतक बस समाप्त। अच्छा, क्षेपक कथा इसको लिखते हैं, उक्षेपक वो छोटा मोटा चीज है, उसका वर्णन न भी कराया जाए तो मतलब नहीं है। तब अब क्या होता है कि मेघनाथ मारा गया। अब पति सुलोचना अपना पति हो जाएगी, फिर आ गई है ले आकर के वहां से अंत हो गया। फिर सुबह होता है, एक दिन के लिए वह मांगी थी, एक दिन हमारे आज पति होने के दिन आज युद्ध बंद रहेगा। भगवान राम से कहा कि महाराज आज के दिन युद्ध यह हमको आप प्रदान में दीजिए। तो एक दिन युद्ध बंद रहा, फिर दूसरा दिन होता है तो निशा सिरानी भयो भिनसारा लगे भालू कपिचारियु द्वारा, रावण में तो गई बारा नहीं गया शत्रु। फिर वही एक दिन बिता करके दोपहर के दिन वाला जब दिन हुआ तो एक दिन बंद रहे बंदर, दोपहर के दिन अपना फिर दौड़े चारों तरफ लंका की तरफ झेल लिए। सुभट तो बोला दशानन बोला रण सन्मुख मन जा कर डोला। अब योद्धाओं को बोला करके रावण कहा कि अगर युद्ध में किसी का मन डोला, युद्ध से इनकार किया मन, तो क्या होगा
कि जो अमही बरु जाय पराई वो तो अभी भाग जाए। अवरण सन्मुख भागे न भलाई, अगर युद्ध में जाएगा भागेगा तो भलाई नहीं होगी। क्यों कि हाँ, और निज भुज बला मैं पैर बढ़ावा दई हूँ, उतर जो रिपु चढ़ी आवा, ये तुम लोगों के बूते नहीं, अपने भुजा के बल पर हम युद्ध को किए हैं, पैर बढ़ाए हैं, माने हैं, और उत्तर दूंगा जो शत्रु चढ़ाए हैं लंका पर। अवश्य अस कही मरुत बेगरथ, यहाँ अस लिखते हैं लेकिन अस कही, अस कहत मरुत बेगरथ साजा, ये बैठने वाला अस कहत मरुत बेगरथ साजा, कहत मरुत बेगरथ साजा, अस कही मरुत बेगरथ साजा, अबाज ही सकल जुझाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, जनुक जल गिरिया भी चली। मानो पहाड़ उड़ रहा है काले रंग का और आंधी आ रही है, ऐसे वीर चले, अवस गुण अमित हो काला, गनयन भुज बल गर्व विशाला, वो एक भी अशगुण नहीं गिन रहा है क्योंकि भुजा के बल का अभिमान है उसको। अति गर्व गनई न सकुन अशगुन श्रवही आयुध हाथ ते, हाथ से अस्त्र छूट रहे हैं, गिर रहे हैं अपने से, हट गिरही रथ ते बाजी गज ची करही भाजही साथ ते, योद्धा गिर रहे हैं सांस में जा रहे हैं, बाज रथ सब आवाज कर रहे हैं, घोड़ा और हाथी और फांस से भाग जा रहे हैं। गो मायुगी धकराल खर रव स्वान बोलही अति घने, माने अशगुन के कुत्ते बड़ी आवाज कर रहे हैं, और उल्लू ये सब जो अशुभ हैं जीव ये बोल रहे हैं, भयावन बोली बोली बोल रहे हैं। और ताहि की संपत्ति सकुन शुभ सपने हुमन विश्राम, उसको संपत्ति और शुभ स्वप्न में भी नहीं हो सकता है, और न तो स्वप्न में मन को विश्राम मिल सकता है। किसको कि भूत द्रोह रतमो हवस राम विमुखरत काम, मोह के बस रब से परे कामदेव जिनको फताए हैं, जीवन भर ऐसे मनुष्य स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और मन को विश्राम नहीं पा सकते, नहीं मिल सकता ऐसे व्यक्ति को। तो चले उनिसा चले कटक अपारा, और चतुरंगिनी अनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रथयाना, विपुल वर्ण पताक ध्वजनाना, चले मत गज यूथ घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे, ये सब मतवाले हाथी और पूरा ये सेना उस प्रकार से चला जैसे हवा के झोंके से बादलों की घटा चलती है, मारुत के प्रेरे हवा के दबाव से। तो बर्ण बर्ण बर दैत्य निकाया, समर सूर जान ही बहुमाया, नाना प्रकार के दैत्य ये वीर हैं युद्ध के लिए और बहुत माया जानते हैं। अति विचित्र वाहनी विराजी, वीर बसंत से नजनुसाजी, और सेना बड़ा अच्छा लग रही है जो रावण की सेना है रावण के साथ, मानो बसंत ऋतु ने अपनी सेना को फजाया हो, इस प्रकार से बड़ा सुसज्जित सेना है। और चलत कटक दिग सिंदूर डगही, चुभिद पयोध कुधर डगमगही, सेना के चलते ही दिग्गज डोने लगे, समुद्र चुभित हो गया और पहाड़ डगमगाने लगे। उठी रे रेणु रवि गये छिपाई, इतना धूल उड़ी कि सुर छिप गए, और पवन थकित वसुधा कुलाई, हवा
थक गए पवन देव, हवा क्यों थक गई, इतना तेज आ रहा है कि हवा फिर इतना युद्ध हो रहा है कि हवा परेशान हो गए। देखिए रावण की दोस्ता, पवन क्यों थक गए, वायु आकाश में हमेशा विराजमान है और आकाश वायु के बीच में अगर इतना घर्षण वायु के साथ किया जाए तो घर्षण से कौन नहीं परेशान होगा। ऐसे वीर इतने अपने गति से आ रहे हैं कि वायु परेशान हो गए, वायुदेव पृथ्वी अकुला गई, पणो निशान घोर रव बाजहि महाप्रलय के जनु घन गाजहि। और बाजे बज रहे हैं युद्ध के, जैसे प्रलय के बादल गरज रहे हैं। भेरी नफीर बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। ये सब बाजा है पहले से, भेरी नफीर सहनाई मारू राग के हरिनाद, वीर सब करही निज निज बल पौरुष उच्च रही। ईशावाद कर रहे हैं, कहा दशानन सुनो सुभट्टा, मरदहु भालु कपिन के छट्टा। रावण कहा कि सुनो छटरी मल दो बंदरों भालुओं की, हाँ मारी हाँ भूप दो भाई, और हम मारेंगे तुम लोग बंदरों पर हो जाओ, हम मारेंगे दोनों भाइयों को। अवस कहिसा नमुख से न चलाई, ऐसा कह करके वहां राम के सामने सेना अपनी चल दिया लेकर के। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये कर रघुवीर दुहाई। जब बंदर बेचारे सुने तो वो भी अपना दौड़े, भगवान राम की जय हो, राम की जय हो करते हुए वो भी बचवा होगा दौड़ा। सिंगा पहुंचे किसे खाए, हम वो बोला वाला रहे जो है, हम थोड़ा रुका है अब, जो ना बोला वाला रहे तू बोल देना जैसे बोला के पड़ा था, हम बोला वाला कह रहे समझा के बाद वाला। लल जी ये अक्सर जब पहले जन्म का कोनो ऐसा प्रारब्ध रहला जिन्हें से आप कहला कि एकर कोनो ऐसा कर्म रहा कि यहाँ जन्मा बा मम्मा देखे उसे, तो यहाँ पर जो कार्यक्रम होता ना साथे साथे दोनों में बाया है, चाहे देश काल समय सब मिला जुला के, तो एक अर्थ बार की जो चरवा जो कहा था पोस्ट पकड़ के उठाए रहे ना रहा जरूर इस समार के लिए मैं भाजे विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानहु सपछ उड़ाही भूध वृंदना नामानते। दौड़े सब राक्षस बंदर भालु काल के समान, और मानो पूछ वाले सपछ पंख वाले पर्वत हो, इस प्रकार से भी इतने विशाल बंदर सब उड़ चले रावण सेना की तरफ। नख दसन सैल महा द्रुमायुध सबल संकन मानहि। इनके पास क्या है, नख है, दांत है, और पर्वत है, और बड़े बड़े वृक्ष हैं। द्रुम आयुध, द्रुम ही द्रुम माने पेड़, ये ही इनके आयुध अस्त्र है। क्या अस्त्र है क्या अस्त्र है नखून और दांत और पेड़ पहाड़। अजय नाम रावण मत गज मृग राज सुज सब खानही। और सब राम और रावण, उधर से रावण का जय हो, इधर से राम की जय हो, ऐसा ऐसा सब अपना आवाज और सुजस वर्णन कर रहे हैं दोनों सेना वाले। और दोहूं दिस जय जयकार कर निज जोरी, निज निज जोरी जान अपन अपन जोड़ देख के। अब भिरे वीर उतरा मही उतरा मही बखान। इधर बानर भालू राम का वर्णन कर रहे हैं और रावण का निशाचर। तो रावण रथी वीरथ रघुवीरा। अब इसी बीच में रावण को रथ पर देख करके, और बिना रथ का भगवान राम है, देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण अधीर हुए कि महाराज रावण रथ से आ रहा है, आप जमीन पर सीमित करेंगे। तो अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रेम होने के कारण मन में संदेह हुआ।
बंदी चरण कह सहित स्नेहा, तो चरण की वंदना करके और स्नेह से कह रहा है कि नाथ नरथ नहीं तव पद त्राणा, नरथ है न तो आपके चरण में पादुका ही है, केहि विधि जितब वीर बलवाना, ये वीर है रावण बलवान है, इसको कैसे जीतेंगे महाराज। तो सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो यशो चंदन आना, भगवान राम भीषण की बात सुनकर के कहे कि जिस रथ से युद्ध जीता जाता है वह रथ दूसरा है, भीषण कोई आना ही रथ है, दूसरा ही रथ है, यह रथ जो रावण आ रहा है इससे युद्ध नहीं जीता जाता है, वह रथ दूसरा है। कौन सा रथ है? कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सूरता और धीरता चक्का है, उपरथ का चक्का क्या है? धीरता। तो हर बात दूसरी अलगे भाई ना, एक साहसी और एक धैर्यवान, दूसरी बात भाई ना, एक क्या है सूरता है और एक धीरता है, उसको जो साहसी है उसको सूरता कहेंगे और जो धैर्यवान है उसको धीरता कहेंगे, ठीक धीरज। तो ये जो है दो चक्के हैं, कौन? सूरता और धीरज के दो पहिया, एक ओरी सूरता लगती है एक ओरी धीरज, ठीक सूरता और धीरज दो क्या हो गए? पहिया। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और सत्य तथा शीलता जो दया है, सत्य और दया यह उसकी पताका है, पताका रथ के ऊपर एक झंडा होता है, पताका समझ लो झंडा को, रथ पर एक पताका होता है झंडा है, क्या है वह? सत्य और शील। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम और परहित ये चार घोड़े होते हैं, बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक कुकुल लिख ले भाई आप बता दे, बल विवेक और दम और परहित, दम और परहित यही रथ को खींचेंगे। मैं रीब रहे अपने तो अभी विवेक बा बल नहीं बा यार, परहित बा विवेक बा, क्षमा दया समता रज जोड़े, क्षमा और दया और समता की रस्सी में जोड़े जाएंगे, क्षमा दया और समता की रस्सी, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का जो भजन करते हैं यही सारथी है, इस रस को आंकने वाला ईश्वर का भजन, क्षमा दया सम बोल विवेक दम परहित के यह आगे के बढ़ाए हाके के, ईश भजन सारथी सुजाना यह ईश्वर का भजन जो सारथी का यह बल विवेक और दम और परहित घोड़ा के हाथ के आगे की तरफ ले जाए। विरति चरम संतोष कृपाना, विरक्ति विरक्ति अच्छा विरक्ति है सबसे बड़ा, हाँ विरक्ति ये बड़ा ढाल है, ये ढाल बा, हाँ अरे बाप रे, अगर ये अगर ढाल न रहे तो सब विरक्ति तो ढाल हो, यह वो जी यह तो उससे बने मुझे और कृपाण क्या है? संतोष कृपाना, अच्छा संतोष कुल के काट दे, संतोष इतना बड़ा तलवार हो कि जिसे चाहे सके जो ने सिर्फ चुनाव काट सकता है तलवार से ओके काटा होगा, ओके बाद विरक्ति के बाद तब संतोष, संतोष नहीं ये तलवार है काटने के लिए, बहुत बढ़िया। दान परस, अच्छा दान का हो फावड़ा, हाँ बुद्धि शक्ति प्रचंडा, अरे दान और बुद्धि का बा वही शक्ति हो प्रचंड, वही आपका शक्ति है। और बर विज्ञान कठिन कोदंडा, और आपका जो उत्तम ज्ञान है, बर माने श्रेष्ठ,
बर विज्ञान जो श्रेष्ठ ज्ञान है वही धनुष है। और कवच अभेद दीप गुरु पूजा यही संविधे उपाय पूजा। और कवच जो पहना जाता है वो कवच एक प्रकार का कवच होता है, वरदानी पावर है, जैसे कुछ लोग जंतर पहन लेते हैं आज के समय में, ऐसा समझ लीजिए। वह जो है ब्राह्मण के चरणों की पूजा कवच है, वो सुरक्षा करेगी, पूजा वह सुरक्षा करेगी। और इसके बराबर विजय के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सखा धर्म मैं असर सजा के हे सखा सुग्रीव, ऐसा धर्म से युक्त रथ जिसके पास है, तो जीता न कहा न कतहूं रिपुता के, और कहीं कोई ऐसा शत्रु नहीं जो नहीं जीता जा सकता ऐसे व्यक्ति के द्वारा। तो ऊपर आप लिख लें, जब सब लिख लिए हैं वही सूरता और धीरता के पहिए ऊपर इसके वहां क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो खाली है यहाँ से हाँ पहिया है सूरता और धीरता, यहाँ धीरता रथ का पहिया है चक्का है, रथ का चक्का। और सत्य और शील यही ध्वजा है, सत्य और शील यही ध्वजा है। एक ध्वजा है पताका, ध्वजा पताका दो होता है, पताका होता है झंडा तो ध्वजा होता है जो छाया किए रहता है छतरी, छतरी तो एक छतरी और एक हाँ तो एक छतरी है। अरे ध्वजा क्या है, सत्य सत्य ही छतरी है, सत्य उसका छतरी है और जो शीलता है वही पताका है। और अब्बल विवेक से आपको लिखे हैं पूरा हो गया कि यही यह रथ चाहिए संसार रूपी जीत छतरी, ठीक है तो अब इस सब शत्रु जीत ले जाएंगे इससे सारे शत्रु को तो महा अजय संसार हरि पूजित सकई सो वीर। यह संसार जो महा अजय शत्रु है, जीता नहीं जाता है संसार, ऐसे संसार को, संसार के शत्रु को नहीं, ऐसे संसार को ही जीत सकता है वह वीर। जाके असरथ हो दृढ़ सुनहु सखा धीर, हे धीरमती बुद्धि वाले सखा विषय सुनो, ऐसा रथ जिसके पास होगा वह संसार के शत्रु को नहीं संसार को ही जीत सकता है, जो अजय है जीता नहीं जाता है उसको। तो सुनि प्रभु वचन विभीषण गए पद कंज, यही मोहि उपदेश किया राम कृपा सुख पुंज। विभीषण पर पकड़ लिए कि एक तरफ रावण युद्ध करने के लिए आ रहा है और मैं रथ के लिए थोड़ा कहा भगवान से, तो इस समय भी हमको उपदेश कर रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि युद्ध रावण से करना है वो रथ से है बिना रथ के है, और मैं इसका चर्चा कर लिया तो हमको ज्ञान उपदेश दे रहे हैं ऐसे समय में भी कि युद्ध के बीच में। तो उत प्रचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, उधर रावण ललकार रहा है और इधर अंगद और हनुमान ललकार रहे हैं, लरत निशाचर भालू कपि करे निज निज प्रभुवान, अपने मालिक की दुहाई दे करके और ये सब दोनों पक्ष के बंदर भालू और निशाचर लड़ रहे हैं। तो सुनि ब्रह्मा अधिक सिद्ध मुनि नाना देख हिरण नभ चढ़े विमाना, ब्रह्मा आदि देवता देख रहे हैं युद्ध को, हम हो उमा रहे होते ही संगा, शंकर जी कहते हैं पार्वती हम भी उन लोगों के साथ में वहां युद्ध देख रहे थे। और देखत राम चरित चरित रणरंगा, ये भगवान के रण
युद्ध के चरित्र को हम भी देख रहे थे। तो सुभद्र रस हमारा रस जो होती सीमा आते कपि जयशील राम बलताते, दोनों ओर के योद्धा लड़ाई के रस में डूब गए हैं। और लेकिन बंदर तो राम जी की बल से और भी मदमस्त थे, बंदर विशेष है तो मग्न युद्ध में दोनों दल की सेना, लेकिन बंदर विशेष रूप से। एक एक सन भी रही प्रचार रही, एक न एक मर्दी महिदा रही, मार रही काट रही धरणी पचार रही, शीश तोरी शीश न पर मार रही। एक गर्दन तोड़ करके एक गर्दन से एक गर्दन के ऊपर मार रहे, तोड़ तोड़ के इसको भी लागे और उसको भी लागे, इसका तोड़े उसको मारे, इसका तोड़े उसका मारे। उधर विदार रहे भुजा उपार रहे, पेट फाड़ दे रहे हैं और हाथ उपाल ले रहे हैं, अब गही पद अवनी पटक बदला रहे। अच्छा का चिकन पेट वही फाड़ दे मैं, और निश्चर भट महिगा रही भालू, और निश्चर को मार करके पृथ्वी में गाड़ दे रहे हैं बंदर, जो से किसी गाड़ देना है फिर उठाई ना। अब ऊपर डारी दे ही बहु बालू, वहां समुद्र किनारे है क्या लंका के चारों तरफ बालू बालू है, वही बालू ऊपर से उठा करके उनके ऊपर डाल दे रहे हैं। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धा, देखिए विपुल काल जन क्रुद्धा, और बड़ा विकट युद्ध कर रहे थे, मालूम पड़ता था कि काल देव क्रुद्ध हो रहे हैं, काल ही मानो क्रोध करके युद्ध कर रहा हो, ऐसे सब युद्ध कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि क्रोधे कृतांत समान कपितन स्रवत सोणित राजहि, मर नहीं निशाचर कटक भट बलवंत जिमि घन गाजहि। बानर काल के समान क्रोधित हो रहे हैं और उनके शरीर में झरने के समान खून झर रहा है, स्रवत सोणित राजहि, मर्द ही निशाचर कटक भट बलवंत जिमि घन गाजहि। और जैसे घोर बादल गर्ज रहे हैं ऐसे जो है ये आवाज निशाचर किसे ना कर रही है, बादल के समान गरज रहे हैं, निशाचर को मार करके और बानर बादल की तरह गरज रहे हैं। मार रही चपेटन ही डाटी दातन काटी लातन नीज ही, मार करके जमीन पर गिरा करके दांतों से काट करके और लातन से ऐसे से अच्छे कर ही मर कट भालू छल बल कर ही जहि खल चीज ही। और बंदर बीस पड़ रहे हैं मार रहे हैं और निशाचर मारे जा रहे हैं। हरी गाल फा रही उर विदा रही गलय सावरी मेलही, गाल फाड़ दे रहे राक्षसों का और गले में उनकी आते पहने हुए ऐसे दिख पड़ते हैं, और लाद फायर के जो आंत निकालता है उसके गोरे में पहन लेता है बानर रसरी की नहीं अतरी देखे है लंबा लंबा हो तो उन्होंने इतना कमजोर है कि सब कवावत है आराम से कवावत है इस बंदर समय भगवान की कृपा से बहुत बलिष्ठ हो गया है, बड़ा बलिष्ठ हो गया। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही, प्रहलाद के पति कौन है नरसिंह भगवान, प्रहलाद के मालिक पति नरसिंह जी है, नरसिंह ही अवतार लिए, प्रहलाद भगवान भगवान कर रहा था तो अवतार लिए तो नरसिंह, तो इसलिए नरसिंह प्रहलाद के ही पति माने जाते हैं। तो वो सिंह के गर्दन पर बाल होता है, गर्दनवा मोटा लगता है, इसलिए जो आंत पहने हैं बंदर तो बाल तो इनके भी शरीर में है, तो जब आंत पहन लिए तो थोड़ा मोटा हो गया, मोटा हो गया तो लग रहा है ये सब जैसे प्रहलाद पति हैं, नरसिंह हैं बंदर, मानो नरसिंह भगवान ही युद्ध क्षेत्र में खेल रहे हैं ऐसे बंदर लग रहे हैं। अधरु मारू काटी पछारू घोर गिरा गगन मही भरी रही, भरो मारो काटो ऐसा ही आवाज धरती पर गूंज रही है,
जय राम जो तृण ते कुलिस कर कुलिस से तृण कर सही। राम की जय जयकार कर रहे हैं, जो तृण से वज्र और वज्र से तृण बनाने वाले हैं उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो निज दल विचल विलोकित बीस भुजा दस चाप। रावण देखा कि हमारा दल विचलित हो रहा है, मारा जा रहा है, तो चला दसानन को पकड़ी फिरहु करी दाप। और ललकारने लगा राक्षस, वह राक्षसों को ललकार करके कहा कि तुम लोग मेरे युद्ध को देखो, लोग मारे जा रहे हो, हम मैं लड़ रहा हूँ, तुम लोग देखो से तुमको युद्ध अब नहीं करना है, देखो युद्ध को। तो धावा परम क्रोध दस कंधर सन्मुख चले हुह करी मंदर। अब गही कर पादप उपल पहारा डा रहे तापर एक ही बारा। पर्वत पहाड़ उठाई के मकर जैसे मार रहे थे, एक ही बार में बहुत फेंक रहे हैं रावण के ऊपर। हाँ, तो लाग ही सैल वज्र तनुतासु खंड खंड होई फूट आंसु। रावण के वज्रवत शरीर पर पहाड़ और वृक्ष पड़ करके टूक टूक हो जा रहे हैं, टूट रहे हैं। परंतु रावण का रावण रथ रोक कर खंड खंड होई फूट आंसु। तो चला नया चल रहा रथ रोपी, वह अचल होकर के खड़ा रहा। मार रहे हैं, मार करके देख लो, उसको पता ही नहीं लग रहा है, चोट ही नहीं लग रही, बल्कि पहाड़ टूट रहे हैं और वृक्ष टूटे जा रहे हैं, फूटे जा रहे हैं, पर्वत के शरीर पर पड़ करके वह अचल होकर के रथ लेकर के खड़ा हो गया। रण दुर्मद रावण अति कोटि, और क्रोध कर रहा है युद्ध के बीच में रावण। ते तो उत झपटी डपटी कर जोधा मर्द इलाग भयो अति क्रोधा। तब रावण बानर योद्धा को झपट करके और डपट करके क्रोध हवंत हो करके मर्दन करने लगा। चले पराई भालू कपिनाना त्राही त्राही अंगद हनुमाना। तुम्हें बचोल रहा चला भाई, अंगद हनुमान दोहाई देवल आगे अंगद हनुमान। नहीं, उसके पैर में लगा चोट, वो लगवात रहा, वो पीछे पीछे भागा ना, तू कहत रहा, तू को बुलावत रहा, लल्ला राम की दुहाई दे रहे हैं। महाराज ये दुष्ट काल की तरह हम लोगों को खा रहा है। अते ही देखे कपि सकल पराने दसहु चाप सायक संधाने। जब उसने देखा कि बंदर भाग गए, तब रावण ने दसों धनुष पर बाण चढ़ाए। दसों बीस भुजा है तो दस धनुष लेकर के धनुष से युद्ध करा है, लेकिन दस धनुष। तो संधानी धनुषर निकर छाड़ सी पुरग जिमी उड़ी उड़ी ला गई। रहे पूरी सर धरणी मगन दिशी दिदी से कह कपि भागही। रावण धनुष पर बाण चढ़ा करके छोड़ा, वह तीर बानर की सेना को ऐसे लगते मानो सर उड़ उड़ कर लग रहे हैं, उड़द की तरह, सांप की तरह लपेट रहे हैं बंदरों को बाण उसके। और पृथ्वी आकाश दिशाएं और कोने जो कोण है सब जगह बाणों से बाण दृष्टि में आ रहा है, देख रहा है, सजारों पर रावण बाण भर दिया। कहां जाएंगे बंदर, भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोलहिं आतुरे। आतुर होकर के बानर भाल बोल रहे हैं कि रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। कि हम लोगों से सबको की रक्षा करिए प्रभु, हम लोग तो अब परेशान हो गए। तो बिचलत देखा कपि कटक कटिन संग धनु हाथ। लक्ष्मण चले सकोप तब नाई राम पद माथ। अभी लक्ष्मण जी उठे, मैं जा रहा हूँ, आप रहिए। तो रे खलका मारे से कपि भालू मोहि बिलोक तोर मैं कालू। क्या बंदर भालुओं को मार रहा है दोस्त रावण, तू हमको देख, मैं तेरा काल आ गया हूँ। तो खोजत रहे तो ही सुत घाती आवाज निपाती जुड़ा छाती। रावण कहा कि कहा बोल रहा है लक्ष्मण के लिए
कि पुत्र का घात करने वाला तुमको खोज रहा था मैं, और आज तुमको मार करके अपने छाती को ठंडा करूंगा। अस कही छाड़े सिमान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, गोटी नया युध रावण डारे तिल समान करिकाटी निवारे। तो कोई निज बाण किन प्रहारा चंदन भंजिसा रथी मारा। तब लक्ष्मण जी उसका काट करके और उसके रथ को नष्ट करके और उसके सारथी को मार दिए। और फत फत सर मारे दस भाला सौ सौ बाण दस दस एक एक सी पर सौ सौ बाण मारे। फत बाण फत फत सर मारे दस भाला माने सौ सौ बाण दसों पर मस्तक पर दसों पर। अब गिर सिंगन जनु प्रविष्ण ज्याला, और जैसे पर्वतों में खोखला हो और उसमें सांप घुस जाए ऐसे ऐसे हुआ। तो पुनः सत सर मारा उर्माही सौ बाण से छाती पर मारे। परे अवनि तनु सुधी कछुनाही, तब विकल होकर के धरती पर गिर पड़ा। तो उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़े सी ब्रह्म दत्त जो सागी। तो यह भी जो है ब्रह्मा से मिली हुई एक मिला हुआ एक अस्त्र है, उसको सागी कहते हैं। तो ब्रह्मा से मिली है और उसको छोड़ा। तो सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। लग गई लक्ष्मण को। पर वीर विकल उठाव दस मुख अतुल बल महिमा रही। धरती पर गिर गए तो उठा रहा है रावण, लेकिन उठ नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी बल की महिमा अतुलित है। ब्रह्मांड क्या अतुलित है कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिरज मिरज कनी। एक कण के बराबर ब्रह्मांड जिनके शीश पर विराजमान है ऐसे शेष लक्ष्मण जी हैं। अब कहीं चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह मूढ़ रावण उनको उठाना चाहता है और उठ नहीं रहे हैं। तो देखत धाये वो पवन सुत, यह देख करके कौन दौड़े। अब बोलत वचन कठोर, कुछ उसको रावण को कठोर वाणी कहते हुए हनुमान जी दौड़े। आवत रे उर महानेऊ, आवत ते उर महानेऊ, आते ही तुरंत उसके छाती पर मारे मोष्टि प्रहार प्रघोर। मोष्टि प्रहार तो जानी ते कि कपि भूमि न परे ऊ उठा संहारी बहुरी रिस भरे ऊ। वो आते ही छाती में मारा हनुमान जी को। रावण उनको देख करके क्रोधित होकर उनकी छाती में एक बड़ा ही भयानक मुक्का मारा हनुमान जी को। तो हनुमान जी क्या किए, जान उठे कि कपि भूमि न परे ऊ उठा संहारी बहुरी रिस भरे ऊ। और घुटने के बल हो गए हनुमान जी, इसके बाद धरती पर नहीं गिरे, संभल करके उठे। मुठिका एक ताही कपि मारा, तब हनुमान जी एक मुठिका। अब परे उसे लजिमी वज्र पहारा, जैसे पर्वत पर वज्र गिरे। मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। और जब जागा तो हनुमान जी के बल का वर्णन कर लेगा कि हाँ भगवान है तू। तो हनुमान जी कहते हैं कि धिक धिक बल पौरुष धिक मोही जोता जियत उठा सूर द्रोही जोत यजियत। कहें धिक्कार है मेरे बल और पुरुषार्थ को रे देवताओं का शत्रु रावण, जो तू जिंदा फिर उठ गया। क्या वर्णन कर रहा है हमारे मुक्के का, हमारे बल का। जी गया तू, यही धिक्कार है हमारे, हमारे बल को धिक्कार है। तो वस कही कपि लक्ष्मण कहाँ लाए, देखि दशानन विस्मय पाए। ऐसा कह करके हनुमान जी लक्ष्मण को ले आए। तो देख करके रावण बड़ा विस्मित हुआ कि हमसे नहीं उठ रहा था, वो तो उठा करके ले गया। तो कह रघुवीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सूरत रावता। तो राम जी ने कहा मूर्छित देख करके लक्ष्मण को कि हे भाई, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई।
क्योंकि आप तो काल के भी भक्षक हैं, आप तो काल के भी भक्षक हैं। कृतांत कहते हैं काल को, इसलिए नहीं देते। तो सुना था बचन उठी बैठ पाला गगन गई सो शक्ति कराला, ऐसा सुन करके लक्ष्मण जी उठ बैठे और शक्ति चली गई आकाश को। पुनि को नंद मान गही धाये रिपुसन मुख यातुर चली आए। फिर लक्ष्मण जी दौड़ करके आए युद्ध के लिए। आतुर बहोरी विभंजी संदन मारिते व्याकुल कियो, गिरो धरणी दस कंधर दिकल तनु बाण सत बेध्यो हियो। ठीक। तारथी रथ घाली दूसर ताही लंका ले गयो। अब जब वह मूर्छित हुआ तो सारथी, दूसरा सारथी, और उसको रथ पर बैठा करके और लंका को लेकर चला गया रावण को। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण नयो। तब लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में प्रणाम की और रावण चला गया लंका में। कैसे गिर गया। तुम्हा दशानन जाय कर करे लाग कछुआज्ञ, वहां भी यज्ञ कर रहा है वो जाकर के। अब विजय चहत रघुपति विमुख सठ हठ बस यति आज्ञ। विजय चाह रहा है दोस्त। और यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सपदी जाय रघुपति सुनाई। नाथ करे राम कयागा सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। सिद्ध हो जाएगा तो ही मरेगा नहीं। अवगहना जो कर रहा था वो तो जल्दी से नहीं जीता जाएगा, लेकिन यह तो अगर यज्ञ सिद्ध कर लेगा तो फिर कैसर जैसा हो जाएगा। तो पठवहु नाथ बेगी भट बंदर करही विध्वंस यज्ञ दस कंधर। रात हो तो प्रभु सुभट पठाए हनुमदादि बंदर सब धाये। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका पैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपिन भाक्रोध विशेखा। रणते भाग नीलज गृह आवा यहाँ आई बक ध्यान लगावा। बंदर कह रहे हैं कि रण से भाग करके आकर के यहाँ बकुला की तरफ ध्यान लगा करके बैठा है। अवश्य कही अंगद मारे हुलाता चितवन सत्वारथ मन राता। अंगद मारे लात से लेकिन वह देख नहीं रहा क्योंकि उसको यज्ञ करना है, नहीं ध्यान दिया। तो नहीं चितव तव करी कोप कपि गही दस नलात न मारही। दस लात नहीं, दांत से काट रहे हैं और लातों से मार रहे हैं। अधरी के सनारी निकारी बाहर जब सो दीन पुकारही। उनकी रानियों को, नारियों को बाल पकड़ करके बाहर कर रहे हैं। तो जब नारी आवाज की कुछ दिन वचन पुकारने लगी तब क्या होता है कि तब उठा को कृतांत समगही चरण बानर डा रही। तब उठा तो पकड़ पकड़ करके लातों से दबाने लगा बंदरों चरण बानर डा रही। अब यही भांति यज्ञ विध्वंस करी कपिने कुमन ही न हारही। लेकिन बंदर मान नहीं रहे हैं, एक विध्वंस कर रहे हैं। अब हाँ मख विध्वंस करी कपि सकल आये रघुपति पास। चला दशानन क्रोध करी छाड़ी विजय की आस। अब वो विजय की आस छोड़ दिया, मरने के लिए तैयार होकर के रावण आ रहा है। तो चला तो हो ही ते ही अशुभ भयंकर बैठ ही गिद्ध उड़ा ही सिरन पर। अभी गिरा है रावण तब गिद्ध उसके शीश पर बैठ जा रहे हैं। बैठाने लगे, बैठबो करें उड़बो करें, बैठे की उड़ाए सिरन पर, उड़ने और बैठने लगे। अब भय काल बस काहु न माना कहे से बजाओ युद्ध निशाना। कहा कि युद्ध का बाजा बजाओ, काल के बस है वो गिद्ध युद्ध को नहीं मान रहा कि बैठ रहे की उड़ रहे हैं। चली तनी चर अनी अपारा बहु गजरथ पदा दिया सवारा।
प्रभु सन्मुख खल धाम कैसे सलभ समूह अनल कहा जैसे। ऐसे फतिंगे मृत्यु के बस चिराग पर गिरते हैं, ऐसे सब राक्षस भगवान के पास आ रहे हैं। कहीं देव सब विनती कीन्हे दारुण विपति हम ही न दीन्हे। देवता लोग विनती कर रहे हैं कि महाराज बहुत विपत्ति किया है रावण हम लोगों का, तो अब जनिनाथ खिलाव हुई ही अतिशय दुखित हो वैदेही। सीता जी भी अत्यंत दुखी हो रही है। देव वचन सुनि प्रभु मुसुकाना उठि रघुवीर सुधारे उबाना। भगवान राम उठे देवताओं की बात सुन करके और अपने बाणों को सुधार रहे हैं। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे सोहे सुमन बीच बीच गाथे। फूलों से बीच बीच में गूथे गए हैं उनकी जटा और उसको अपना शीश पर बांध रहे हैं। वरुण नयन बारिद तनु श्यामा अखिल लोक लोचन अधिरामा। भगवान के रूप का वर्णन है, इनके लाल नेत्र में के समान शरीर वाले श्याम और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले जितने नेत्रधारी हैं सबको आनंद देने वाले अखिल लोक लोचन अधिरामा। तो कति तट परिकर कसे निसंगा कर को दंड कठिन सारंगा। वो अपना कमर बांध करके और तरकत बांध रहे हैं और धनुष को लिए हाथ में। सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखागर कटि कस्यो भोज दंड तीन मनोहरायत उर धरा सुर पद लस्यो। धनुष और बाण को लेकर के और तरकस को बांध करके और इनके हाथ वो दंड बड़े ही पुष्ट हैं जिनकी मनोहरता था चौड़ी छाती पर ब्रह्मा के चरण ब्राह्मण के चरण वही जो भृगुलता है। तो कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। जब धनुष बाण हाथ से फेरने लगे तो ब्रह्मांड दिग्गज कमठ यही मही सिंधु भूधर जगमगे। सब ही लगे क्या क्या ब्रह्मांड दिग्गज कमठ जो उसके ऊपर शेष रहते हैं और शेष भी और धरती और पर्वत सब डगमगाने लगे। हर से देव बिलो की छवि बरस ही सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। भगवान राम की वंदना कर रहे हैं देवता लोग, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो यही के बीच निशाचरयानी कसमसात आई अति घानी। एक कसमसाती हुई अत्यंत घनी राक्षसों की सेना इसी बीच में आ गई। तो देख ही चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घट्टा। प्रलय काल के घनघोर बादल की तरह दौड़े यही बंदर और भाल। और शक्ति सोल तलवार चमक कहीं जनु दस दिशि दामिनी दमक कहीं। जैसे बिजली ऐसे चमक रहे हैं तलवार और त्रिशूल, जैसे बिजली चमक रही हो तो दिशाओं में ऐसे सब चमक रहे हैं। गज रव तुरग चिकार कठोरा गरजत मनहु बलाह कमोरा। और हाथी और घोड़ा इस प्रकार से चिकार कर रहे हैं जैसे मोर और बादल आवाज कर रहे हैं। अब गज रव तुरग चिकार कठोरा गर्जत मनहु बलाह कमोरा। तो पिहा और मोर तरह आवाज हाथी और घोड़ा कर रहे हैं। कपिलंगूर विपुल नभसाए मनो इंद्र धनु लगे सुहाए। बंदरों की बड़ी बड़ी पूंछ आकाश में ऐसे शोभा पा रही है जैसे इंद्र धनु सूख गया हो।
उठी रे मान हो जलधारा बाण बुंद भय बृष्टि अपारा। और धूल इतना उड़ी कि जैसे जल की धारा बह रही है ऐसे धूल उड़ रही है। और बाण रूपी बूंदों की अपार बृष्टि होने लगी। और जैसे बूंदी पानी बरसे पड़ रही हो ऐसे ऐसे बाण की बूंदी पड़ने लगी का मतलब बारिश हो रही है। दोनों तरफ से पर्वतों का पहाड़ हो रहा है बार बार। रघुपति को बाण झरिलाई घायल भे निश्चर समुदायी। भगवान इतना बाण मारे कि निशाचर घायल हो गए। लागत बाण वीर चिप कर ही घूर में अगणित मही पर ही। और गिनती जो है नाच नाच करके धरती पर गिर रहे हैं निशाचर। श्रम हिसैल जनु निर्झर बारी सोणित सरकादर भयकारी। और जब इतना खून बहा कि इतना जब खून डूब गया जैसे बहुत तालाब खून के दिखाई पड़ने लगे तो जो कायर हैं वो देख करके इतना खून डर रहे हैं। सोणित सरकादर भयकारी कादर भयंकर रुधिर सरिता बाढ़ परमय पावनी। अब उन्हें तालाब जैसा था अब बह चला। वह कौन तालाब के रूप में था जगह जगह इकट्ठा अब वह नदी के रूप में होकर के बह चला। दो कुल दल रथरेत चक्र अवसवहत भयावनी। दोनों ओर के दल उसके दोनों किनारे हैं। अब जिधर से खून बह रहा है उस खून में कोई नहीं कुछ इधर से लड़ रहे हैं कुछ इधर से लड़ रहे हैं। बीच में नदी हो गई सेनाओं के बीच में खून की नदी हो गई। कुछ सेना इस किनारे से कुछ सेना इस किनारे से लड़ रहे हैं इतना खून। जल जंतु गज पद चर तुर गरथ विविध मान को गन है। और रथ जो है वही रेत है उस नदी में। रेत क्या पड़ा है खून की नदी में जो रथ है वो रेत जैसा दिख रहे हैं इतना तगड़ा। हाँ। और पहिए भंवर है और वो जो पहिया उसमें चल रहा है वही भंवरी है खून की नदी में। हाथी घोड़े पैदल और उस जल के जीवधारी जीव हैं। उसी जल के उसी रक्त रूपी जल के भीतर ही होकर के वो लोग लड़ रहे हैं। अब भीतर भी हो गए जब फैल गया जल तो सब जल के भीतर हो गए और जल के जीव हो गए वो खून रूपी जल के जीव हो गए जो लड़ने वाले जो था। असर शक्ति तो मर परसु चाप तुरंग चरम कमठ बने। और बाण और शक्ति यही तोमर परशु और धनुष लहर है जो अस्त्र है। वो अस्त्र जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं हाथ में लेकर के वही उसमें नदी में लहर है। देखिए खून की नदी बहाये है सुखी जाएगी। युद्ध के बीच में तालाब दिखाए और फिर तालाब से उसको नदी के रूप में दिखा रहे हैं। बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं कविता का ढंग है। लहर भी हो गया तो वीर परे जनु तीर तरु। और जो वीर गिर रहे हैं उसमें उस नदी में तट पर गिरे हैं वही वृक्ष की भांति जान पड़ते हैं। लग रहा है कोई पेड़ है जो कि वीर उस युद्ध करते करते उस नदी के खून के नदी के किनारे पर गिर गए हैं वे सब वृक्ष के समान लग रहे हैं। अमजा जनु वह फेन। और जल के ऊपर फेन रहता है नदी के ऊपर तो उसमें क्या फेन है वही जो रक्त के ऊपर सफेद मज्जा होती है वही मज्जा ऊपर ऊपर मज्जा लाल जो होता है वो नीचे वो मज्जा होती है वो ऊपर हो जाता है वो हल्का होता है। हम देखे हैं जैसे कि ब्लड लेते समय तो जो लाल कणिका है वो नीचे बैठ जाती है सफेद वाला ऊपर ऊपर प्लाज्मा बोलते हैं। हाँ प्लाज्मा उसको मज्जा कहते हैं हिंदी में। तो वह फेन की तरह लग रहा है रक्त के ऊपर
मज्जा वह जाना और जब कायर देख रहे हैं तो डर रहे हैं जिससे ही डर चल का डर रहे हैं लेकिन सुबह टन के मन चैन और जो सुबह हैं उनको तो और उत्साह मिल रहा है कते ही कुछ हाँ तो मज्जा ही भूत पिशाच बेताला केली करहीं योगिनी कराला भूत और बेताल उसको पी रहे हैं हाँ और योगिनी जो है वो नाच रही है अब काक कंक लय भुजा उड़ाही एक तेक छीन धरी खाही कौआ और गीद खाते हैं कंक कहते हैं गीत को काक कंक लय भुजा उड़ाही हाथ लेकर के उड़ जा रहे हैं अब एक से एक छीन करके आ रहे हैं कोई नीचे नहीं जाना चाहता है ऊपर उड़ते देख रहा है तो उसी से एक कहीं ऐसे प्रभुताई सठ तुम्हारी दारिद्र न जाई एक एक से कह रहे हैं जो छीन रहा है कि ऐसे में भी तुम्हारा दरिद्र नहीं जाएगा कि इतना गजा है तब भी तुम छीन रहे हो किसी का इतना यहाँ ये सब काटे मारे गए हैं और बहुत कुछ है खाने के लिए तुम दूसरे का छीन रहे हो तुम्हारा दरिद्र अब नहीं जा सकता है इतने के बाद इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है खाने के लिए गिद्ध कौए के लिए तो एक कहीं ऐसे प्रभुताई सठ तुम्हारी दारिद्र न जाई कहाँ रत भट घायल तट गिरे जो घायल होकर के गिर गए हैं उस नदी के किनारे पर वो कहाँ रहे जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे और कोई कोई तो आधे जल में पड़े हैं कोई किनारे पर पड़े हैं और खैचही आत गिध तट भय और किनारे खून की नदी के वो गिद्ध आंख खींचते हैं और जनु बंसी खेलत चित दए वो उस प्रकार से ऐसे ऐसे खींच रहे हैं जैसे वही जो वही कटिया को खींच रहे हैं हाँ जल में फेंकता है तो ऐसे ऐसे करता है ना मछली फंस जाती है ऐसे ऐसे वो आंख को लोग गिद्ध खींच रहे हैं बहु भट बहाही चढ़े खग जाही और बहुत योद्धा उस नदी में बहे जा रहे हैं और उनके ऊपर पक्षी बैठे हैं जो उनको खाने वाले पक्षी हैं वो पक्षी उसके ऊपर कौआ हुआ बैठे हैं अपना खाते चले जा रहे हैं वो बहे जा रहे हैं अजमिनावरी खेल ही शरमाही उस प्रकार से जैसे जल का कोई खिलवाड़ है जो कि जल में उतराई हुई बस ऊपर बैठ करके लोग खेलते हैं जैसे आज वो बना करके वो ट्रैक्टर के चक्के आज वो क्या कहते हैं उसको ट्यूब वो बैठ करके खिलवाड़ कर रहे हो जलाशय में उस प्रकार से जब बहे जा रहे हैं उनके ऊपर जो बैठे हैं पक्षी वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बैठ करके खिलवाड़ कर रहा है उसको नाव निवारा कहते हैं खेल को दो चार नाव वाले आपस में बैठ करके नौका से खिलवाड़ बहते हुए कर रहे हो ऐसे लग रहे हैं जो बैठे हैं मुर्दों के ऊपर और योगिनी भरी भरी खप्पर साचहीं और योगिनी जो है वो खून खप्पर में अपने भर भर करके संचय कर रहे हैं लेकर के रख रहे हैं अभूत पिशाच विविध विधि नाचहीं और सब खा पी करके मस्त होकर के खूब विविध प्रकार के नाच रहे हैं भूत पिशाच और भट कपाल कर ताल बजावही और वीरों के सिर को लेकर के करताल बजा रहे हैं ये जो भूत प्रेत लोग ऐसे से दूसरे मुड़ी लेके ऐसे ऐसे बजाव है अच्छा मुंडा ना विधि गावही
और चामुंडा नाना प्रकार से गीत गाती हैं। चामुंडा भी एक देवी होती है। तो जम्बू का निकरता कट कट ही खाही अघाही हुआ ही दपट ही। और गीदड़ों के झुंड आपस में कटकटाते हैं या और खा करके अघा जा रहे हैं तो हुआ हुआ चिल्ला रहे हैं। अकोटि नरुंद मुंड बिनु डोल है। और करोड़ों तो बेचारे बिना मूड़ी के घूम रहे हैं। गर्दन कट गया भी जीवित है इनका से बिना मूड़ी के घूम रहे हैं। अशीष परे मही जय जय बोल ही। उनका गर्दन कट करके धरती पे गिरा है लेकिन फिर भी वो जय जय बोल रहे हैं। बोल ही जो जय जय रुंड मुंड प्रचंड सिर बिनु धावही। खपर निखग उलूझ जूझही सुभट सुरपुर पावही। और लड़ाई के मैदान में जूझ करके स्वर्ग को जाते हैं। इनको स्वर्ग मिलता है। मुक्ति क्या वही स्वर्ग है। सुख सुख भोगने के लिए स्वर्ग मिलता है जो समर में अच्छा मारे जाते हैं। स्वर्ग मिलता है, मुक्ति है। तो निश्चर बरूथ बिमर दिगर जही भालु कपिधर पित भये। तो निशाचरों को मार करके भालू बंदर सिघाड़ने लगे आवाज करने लगे। असंग्राम अंगन सुभट सो वही राम सरनी करनी है। और भगवान राम के बाणों से युद्धागण युद्ध भूमि आंगन में सो गए। हृदय विचारे फिदस बदन सब मारे गए सेना। तो विचार किया हृदय में रावण कि भानि सिचर संहार। निशाचर तो मार दिए गए सहयोगी थे। अब मैं अकेले कपि भालू बहु मैं अकेला बस बचा और बंदर भालू बहुत हैं। तो माया करूं अपार अब मैं भी अनेक हो जाऊं। देखिए कैसा होता है कि देवन प्रभु ही पया दे देखा उरूप जायति क्षोभ अभिषेखा। एक रावण नहीं अपार रावण होकर के युद्ध करेगा। गिनती नहीं कितना रावण बन जाएगा। और ऐसा युद्ध करने के लिए रावण जब सोचा तैयारी कर रहा है और सब देवताओं ने देखा कि भगवान बिना पैर में कुछ है नहीं नंगे पांव युद्ध कर रहे हैं। तो सूर्यपति निज रथ तुरंत पठावा इंद्र अपना रथ भेजे। तो हर्ष सहित मातली ले आवा। मातली है दार्थी वह ले आया। अब तेज पुंज रथ दिव्य रूपा बिहसी चढ़े कोसल पुर भूपा। वो देवता का रथ है इंद्र का। वो सुंदर है तेज पुंज है दिव्य है अनुपम है। उस पर प्रसन्न होकर के भगवान चढ़े और चंचल तुरग मनोहर चारी। उसमें चंचल घोड़े चार हैं सुंदर अजर अमर मानस गति भारी। वो अजर हैं घोड़े अमर हैं वो मारे नहीं जाएंगे। वो घोड़े मारे नहीं जाएंगे और जल में जरेंगे अग्नि से जरेंगे नहीं। और अमर भी हैं और मानस गति भारी और मन से भी गति अधिक है उनके अंदर। और रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाये कपि बल पाय अभिषेकी। जब देखे भगवान रथ पर चढ़ गए तो सोचे कि अभी तो हम लोग जमीन पर भगवान रहते थे तो युद्ध कर लेते थे सबसे। अब तो रथ मिल गया है अब क्या पूछना है। बल बढ़ा बंदरों को रथ देख करके। जब भगवान रथ पर बैठे तब उनको और बल मिला है। तो सही न जाए कपिन की सही न जाए कपिन की मारी तब रावण माया विस्तारी। बंदर मार रहे हैं रावण को तो बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी माया फैलाया कि सो माया रघुबीर ही बाची सबका हो मानी कर साची। उस माया को खाली राम को छोड़कर के बकाया जो जितने वहां है बंदर भालू वो समस्त सब उसको सत्य समझ रहे हैं। वो झूठी नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल सबको सत्य लग रहा है एक राम को असत्य लग रहा है। तो देखी कपिन निशाचरयानी अनुज सहित बहु को सलधानी।
और सेना को देख करके यह समझने लगे कि बहुत से रामचंद्र अपने धनुष सहित यहाँ विद्यमान है। उमाया क्या किया है कि अनेक राम बना दिया। अच्छा मतलब माया से वो स्वयं अपना वो अपने ही सेना को देख करके उसकी निशाचरों की और बानर निशाचरों की सेना को देख करके यह समझने लगे कि बहुत से रामचंद्र अपने अनुसहित यहाँ विद्यमान। निशाचरों की सेना बची है उनको सब हमारे राम और लक्ष्मण समझ रहे हैं। हाँ मारेंगे किसको? राम लक्ष्मण समझ रहे हैं जब अपने ही सेना को नहीं निशाचर को। निशाचर को तो बंदर भालू मारे किसको? निशाचर को राम और लक्ष्मण मान रहे हैं। अच्छा उल्टा हो रहा है, यह माया है। तो बंदर भाल बेचारे शंका में फंस गए कि अब क्या किया जाए, ये तो सब राम लक्ष्मण है, समझ में नहीं आ रहा है उनको। नहीं समझे? हाँ समझ रहे हैं। निशाचर सेना राम लक्ष्मण हो गई। ये जो है कि वो रावण जैसा बना दिया, रावण ऐसा कर दिया कि अपनी सेना राम लक्ष्मण जैसा लगने लगी बंदरों भालुओं को। देखी कपिल निशाचर रानी, बंदरों ने देखा निशाचर के सेना को कि अनुज सहित बहु को फल धनी ये सब राम लक्ष्मण हैं। तो बहु राम लक्ष्मण देखी मर कट भालू मन अतिशय डरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहां सो तहां चितवत खरे। लक्ष्मण समेत माया हरि हरि निमिख महम हरसी सकल मर कटयनी। तो माया दूर किए भगवान तो बंदरों की सेना प्रसन्न हुई। तो बहुरी राम सब तन चितय बोले वचन गंभीर, द्वंद योद्ध देखो सकल समित भये अति वीर। तो अस कही रथ रघुनाथ चलावा भी प्रचरण पंकज सिर नावा। ब्राह्मणों को कमल में प्रणाम करते हैं। तब लंकेश क्रोध उर्चावा और गरजत तरजत सन्मुख आवा। वह भी अपना गर्जना और तर्जना कर रहा है और सामने आया रावण। जीते वो जे भट्ट संयुग, जीते वो जे भट्ट संयुग माही सुनता पसमयति न समनाही। रे तपस्वी जिनको तूने युद्ध में जीता है निशाचरों को उनके समान मैं नहीं हूँ। सुन तापस मैं तीन समी मैं उनके समान नहीं हूँ। रावण नाम जगत यश जाना, मेरा रावण नाम है संसार मेरे यश को जानता है। लोकपाल यही मंदी खाना, लोकपाल जिसके मंदी गृह में है अभी तक। और खरदूषण विराध तुम मारा, तूने खरदूषण का वध किया विराज को भी मारा। और हते वो व्याध वो बाली बिचारा, व्याधा की तरह बाल बिचारे का वध किया छिप करके। और निश्चर सुभट सकल संघारे कुंभकर्ण घन नाद हिमारे। निशाचर की पूरी सेना संहार कर दिया और कुंभकर्ण और मेघनाथ को मार डाला। आवाज उबैर सबले हुनिबाही जवरण भूमि भागी नहीं जाई। आज सब मैं पूरा कर लूंगा बैर, अगर युद्ध से तू भाग न गया तो। तो सुन दुर वचन काल बस जाना, विहसी वचन कह कृपा निधाना। यह दुर्वचन सुन करके रावण का और काल के बस जान करके उसको भगवान राम हंस करके बोले कि सत्य सत्य तब सब प्रभुताई। ये जितना कह रहे हो रावण तुम्हारी प्रभुता सब सत्य है, झूठी नहीं है, सही कह रहे हो। लेकिन जन जल पसी देखा व मनुसाई। अब उसको कहो मत, अपनी वीरता को दिखाओ हमारे सामने, सब सत्य है तुम्हारी जो कह रहे हो, लेकिन उसको अब कहो मत, अपनी वीरता को दिखाओ। क्यों मत कहो? कि जन जल्पना करी सुजसना सही नीति सुनु सठ कहु क्षमा। ये अपनी मुंह अपनी बड़कपन करके और अपने यश को नाश मत करो, नष्ट मत करो रावण। ये नीति कहती है हमको क्षमा करना, यह नीति कहती है हमको क्षमा करना। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, पानस
पाटल रसाल पनस के समान, पाटल रसाल पनस क्या है आ रहा है, पाटल रसाल पनस तो नहीं आएगा, दूसरा आएगा हम बता दे रहे हैं, पाटल रसाल एक है, पाटल है ये फूलता नहीं है फलता है, जिसको कहते हैं कटहल। अच्छा हाँ, जो सिर्फ जो फलता है, फलता है, और रसाल है फूलता भी है और फलता भी है, फलता है और फूलता है। अब एक सिर्फ फूलता है, फूलता है। ऐसे तो वृक्ष है ना, ऐसे तो बहुत सारे वृक्ष है, फूल के वृक्ष। तीसरा वह है, यही है पाटल रसाल और पनस, पनस पनस जो फूलता है। तो तीन प्रकार के पुरुष होते हैं रावण संसार में, पाटल रसाल और पनस जैसा। तो पाटल क्या है, वही जो फलता है, एक है जो फिर करते हैं फलता है। तो एक सुमन प्रदायी का सुमन फल, एक तो सिर्फ सुमन ही होता है उसमें, फूल होता है, और एक सुमन प्रदायी का सुमन फलाई का फलाई केवल लागही, एक फूलता है और फलता है, एक सिर्फ फल ही लगता है। पाटल में सिर्फ फल ही लगता है। हाँ, फल ही लगता है। हाँ ठीक, वो सिर्फ करता ही है। ठीक, कहा ही कर ही अपर इक कर है, कर ही कहता न भाग ही, इक कहा एक सिर्फ कहते हैं, एक कर ही और कहा ही लिखते गलत है, करते ठीक है, कहा ही कर ही, एक कहते हैं और करते हैं, और एक कर ही और एक सिर्फ करते एक, हैं, एक एक करते हैं, एक सिर्फ कहते हैं, एक सिर्फ कहते हैं। चार हो गए, तीन, चार ना? नहीं, एक सिर्फ कहते हैं, कहते हैं और करते हैं, कहाँ ही करा ही, एक कहते हैं, एक कहते हैं, करते हैं, एक एक ये हुआ, एक कहाँ ही करा ही, कहते हैं और करते हैं, जैसे एक फूलता है और फरता भी है, और एक करा ही, एक सिर्फ करते हैं, जैसे एक सिर्फ खाली फलता है, एक कहत न बाग ही, अब एक सिर्फ कहते हैं, सिर्फ फूलते ही है, ठीक। तीन, तो राम वचन सुन बिहसि कहा मोहि सिखा वो हो ज्ञान, रावण कहा कि हमको ज्ञान सिखा रहा है, अब वैर करत तब नहीं डरे अब लागत प्रिय प्राण, वैर करने में डर नहीं लगी, अब प्राण प्रिय लग रहा है, तो कही दुर्वचन क्रोध सकंदर कुलिस समान लाग चारण सर, वज्र के समान बाण छोड़ने लगा, नानाकार सिली मुखधाये दिशि अरु विदिश जगत मही छाये, पूरे समान में छा गए बाण उसके, अवनल बाण छाड़े रघुवीरा क्षण महजरे निशाचर वीरा, नारे सिते ब्रशक्ति खितियाई बाण संग प्रभु फेरी पठाई, एक और कोई शक्ति छोड़ा तो बाण के साथ उसको वापस कर दिए, कोटि न चक्र त्रिशूल पवारे तिल समान प्रभु काटि निवारे, अनेक चक्र मारा अनेक त्रिशूल मारा और तिल के समान भगवान उसको काट दी, विफल हो ही रावण सर कैसे कल के सकल मनोरथ जैसे, रावण के अस्त्र उस प्रकार से विफल हो रहे हैं जैसे खल के सब इच्छा नष्ट हो जाती है, खल की इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो भय क्रोध हाँ। तब सतमान सारथी हिमारे सी परे भूमि जय जय परे सी भूमि जय राम पुकारे सी, और जब प्रभु युद्ध कर हाँ, तब रावण क्रोधित होकर के सारथी को मातल को जो है सारथी को मारा मार से, और सब मार मारा, तो वह धरती पर गिरा, भगवान राम को पुकार रहा है, और राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध उरछावा, जब उसको उठाए अपने सारथी को, और तब ऐसा देख करके भगवान को बड़ा क्रोध हुआ, अब देखिए भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से, को दंड धुनि सुनि चांद यति मनुजाद भय मारुत ग्रसे,
मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भूधर अति त्रसे, ये भी डर रहे हैं। ओ कमठ कचुहा पर्वत और मंदोदरी कांप रही है। ते करहिं दिग्गज दशन गहि मही देख कौतुक सुर हसे, देवता हंस रहे हैं कौतुक देख करके। उतान्यो चाप जो श्रवण लगी छाड़े बिसिख कराल, रघुनायक सायक चले लहलहात जनु ब्याल, सांप की तरह चले तो चले मार सपच्छ जनुर्गा, प्रथम ही हते सारथी तुर्गा। बाण जो गए भगवान राम के, वो पहले सारथी को मार दिए और घोड़े को मार दिए रावण के। रथ विभांज हत के तुपता का गरजात अंतर बल था का, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो गया रथ और घोड़ा सब सारथी और सी सब खत्म हो गए, सब गरजा रावण। तो तुरंत निरथ चढ़ी ना छाड़े से अस्त्र शस्त्र विधि नाना, फिर दूसरा रथ ले आकर के उस पर सवार होकर के अब फिर अस्त्र छोड़ रहा है। बिकल हो ही सब उद्यमता के, जिम पर द्रोह निरत मनसा के, जैसे परद्रोही होने पर मन के जितने मनोकामना है मनोरथ है वो नष्ट हो जाती है परद्रोही होने पर, उसी प्रकार से उसके उद्यम जितने वे कर रहा है रावण सब नष्ट हो रहे हैं। तब रावण दस सूल चलाए बाजी चारी महिमारी गिराए, तो दस सूल रावण चलाया जिससे रामचंद्र जी के रथ के चारों घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े, मरेंगे नहीं। तुरग उठाए कोपी रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक, वो अमर है मरने वाले नहीं गिर गए, उसका तो सब मर गए थे, दूसरा ले आया। अब हमारा राम उसको उठा करके घोड़ों को अब फिर क्या करते हैं कि रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुनाथ सिली मुखधारी, ये बाण रावण के सिर में कैसे जाते हैं जैसे भौरों कमल पर मुख धो जाते हैं इसे जाके लगता है। तो दस दस बाण भाल दस मारे निसर गए चली रुधिर पसारे, दस दस बाण दसो मस्तक में खून बहने लगा। तो स्रवत रुधिर धावा बलवाना प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना, फिर दौड़ा भगवान की तरफ खून बहते हुए। तो भगवान राम धनुष प्रमाण चलाए ऐसे चलाए, तीस तीर रघुवीर पवारे भुजन समेत शीस महिदारे, ओ भुजा और शीस काटने भर के लिए बीस दस तीस दस मुंह और बीस हाथ काटने के लिए भुजा और सिर एक बार में ही कट जाए तो तीस तीर मारे। काटत ही पुनि भये नमीने राम बहोरी भुजा सिर छीने, वो काटे तब तक फिर नया जाम गया उसको वरदान है। अब भगवान फिर उसको मारे नष्ट हुआ। अब कटत झटित पुनि नूतन नए प्रभु बहु बार बाहु सिर है, बार बार भगवान काट रहे हैं उसका फिर पुनः हो रहा है। तो पुनि पुनि प्रभु काट ही भुज सीसा अति कौतुकी को सदा अधीसा, खिलवाड़ कर रहे हैं बार बार काट रहे हैं बार बार जाम रहा है, ले यही तुम वरदान मांगे हो ले। तो बार बार काटने और बार बार जमने का अपना देख लो मजा की, बार बार कट रहा है और जम रहा है देखते रहो, दिखा रहे हैं उसको। और रहे छाई नह सिर अरुबाहु मान हो अमित के तू अरुराहु, और जो कट करके अलग हो रहे हैं बार बार वो आकाश में छा गए उसके सिर और हाथ, और लग रहा है जैसे तमाम राहु और केतु आकाश में है, एक का धड़ है एक का सिर है दो भाग में हो गया। तो हाँ तो जनु राहु के तू अनेक नभ पथ स्रवत सोड़ित धावही, ऐसे लग रहा है कि राहु के तू आकाश में खून बह रहा है और दौड़ रहे हैं। रघुवीर तीर प्रचंड लागही भूमि गिरन न पावही, भगवान राम फिर मार करके धरती पर गिरने नहीं दे रहे हैं, आकाश में उसको उड़ाए हैं, जब गिर रहा है तो मार दे रहे हैं फिर उड़ता है। एक एक सर सिर निकर छेदत नभ उड़त सोहही, एक एक बाण से लग करके आकाश में बाण वो उनके टिकाए हुआ है जिस प्रकार से शोभा पा रहे हैं। कि जनु को पिदिन कर कर निकर जहाँ तहाँ विधुंद जहाँ तहाँ विधुंद तुद पोहही, सूर्य की कुपित हो, हाँ जैसे सूर्य कुपित होकर
अपनी किरणों से राहु केतु को गूह रहा है, किरण में अपने गूह रहे हैं। तो दस मुख देख सिरन कह बाढ़ी बिसरा मरण भई ऋषि गाढ़ी, तो मृत्यु को भूल गया, बड़ा क्रोध हुआ कि बार बार हमारे इस गर्दन सिर ये बढ़ रहे हैं, और मरण को भूल गया, क्रोध हुआ। तो समर भूमि दस कंधर कोपा बरणी बाण रघुपति बरसी बाण रघुपति रथ तोपा, रथ को तोप दिया मार मार करके। तो दंड एक रथ देखी न परे, वो एक दंड तक रथ दिखाई नहीं दिया। जन निहार मह दिन कर दुरे, वो जैसे कुहरे से सूर्य नहीं दिखते हैं ऐसे रथ नहीं दिखा। तो हा हा कार सुरन तो सब की ना, सब प्रभु को पी धनुष कर ली ना, देवता घोड़ा गए कि तोप दिया भगवान को। तो सर निवार रिपुके सिर काटे, ते दिस विदिश गगन मही पाटे, अब उसका काट करके अब उसके फिर गर्दन को काटे, अब ये जो है दसों दिशाओं में आकाश और पृथ्वी को पाट दिया, इतना इतना सिर काटे। सिर नभ मार गधा वही, और जय जय ध्वनि कही भय उपजा वही, जो सिर कट रहा है वो आकाश में उड़ रहा है और जय जय कर रहा है और डर उत्पन्न हो रहा है। तो कह लक्ष्मण हनुमंत कपीसा, कह रघुवीर को सलाधीसा, उसका मुंह क्या कह रहा है, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है हनुमान, कपी सुग्रीव कहाँ है, कहाँ है राम पोपलाधी। कहाँ राम कहीं सिर निकर धा, वहीं देखी मरकट भजी चले। वो कहते हैं राम नहीं कहा, एक बार भी रामायण में देखिए कहा है ना, कह रहा है कि कहाँ है राम, ऐसा कह करके वह दौड़ रहा है। अवसंधा निसर रघुवंश मणि तब सरन सिर बेधे भले, तो बाणों से उसके सिर को भली भांत से बेध दिया। सिर मालिका गहि कालिका कर बृंद बृंदन बहु मिली, कालिका अपने बृंदो समेत, कालिका की जो और सहयोगी हैं, अब कालिका मुंडमाला पहने रहती हैं, इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे कालिका मुंडमाला पहन करके रुधिर के तालाब में नहा रही हो, ऐसी लगती हैं, ऐसे बाण बेध करके उसके सिर को और खून के बीच में। तो करी रुधिर शरम जन मन हो संग्राम बट पूजन चली, वह कालिका युद्ध रूपी जल में स्नान करके और संग्राम रूपी वट वृक्ष का पूजन करने जा रही है, ऐसा लग रहा है वो बाण से विधा हुआ उसका सर। तो पुनि रावण अति क्रोध कर छाड़ी शक्ति प्रचंड, सन्मुख चली विभीषण ही मनहु काल को दंड। विभीषण के लिए बंद कर दी, मैं मौजूद हूं तू हर मरी है बहुत अनेक कर दिया है अब मरी। अब बंदरों की सेना